सभापति से अच्छा लड़का हम अवधि में बोला चाहिए थे। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम कर करती सभापति की आवश्यकता पर नाते से आज के ये कार्यक्रम के सभापतित्व तो कह दिए कि हम यादव समाज सेवा संघ के उपाध्यक्ष और ये राधा कृष्ण मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रामदास यादव आरडी जी का हम सभापति के आसन ग्रहण कह दिए कि हम अनुरोध करा चाहित है आज के सभापति के आसन ग्रहण पे कह दिया जाए। एक बात है ताली बजाए से वहाँ पे यहाँ अवधि सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा तो वहाँ एक जने अतिथि आए के कहना कि ताली बजाए से शरीर कहाँ फायदा होता तो ताली बजाए दे कहाँ कंजूसी ना करा जाए खूब जोर से ताली पीट दिया जाए। अब आज के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण करे खड़ती हम पांच नंबर प्रदेश के प्रदेश सभासद माननीय रेवती रमन शर्मा जी के यहाँ आज के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कर दिए कहाँ हम अनुरोध करी थे। वैसे विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कह दिए कि हम लमही नगर पालिका के प्रमुख कुल बहादुर केसी जी कहें हम आसन ग्रहण कर दिए। वैसे विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कह दिए कि हम गढ़वा गांव पालिका के अध्यक्ष श्री सहज राम यादव जी के यहाँ अनुरोध करी थे। वैसे विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण कह दिए कि हम राप्ती गांव पालिका के अध्यक्ष नुमानंद सुवेदी जी कहाँ अनुरोध करी थे। कोई मनो नहीं है महालिक डायरी अब ना है तेकर हम नहीं कहा चाहे थे छोड़ के करी थे हम। अब अतिथि जी हाँ विशिष्ट अतिथि में है राजपुर गांव पालिका के अध्यक्ष श्री लोकराज जी केसी, राजपुर गांव पालिका के उपाध्यक्ष धनपति यादव। अब विशिष्ट अतिथि होगा अतिथि के आसन ग्रहण करेंगे हैं बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मेघ सिंह पछाई जी के हम आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करें। वैसे अतिथि लमही नगर पालिका वार्ड नंबर 9 बिहार धाम के वार्ड अध्यक्ष भेष बहादुर केसी जी कहें हम आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। वैसे यादव समाज सेवा संघ के भगवान दास यादव जी का हम अनुरोध करी थे। संस्थापक अध्यक्ष यादव समाज सेवा संघ के विनती राम यादव जी का वो नाई है। वैसे यादव समाज सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव जी के यहाँ आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। कुर्सी यहाँ है यहाँ आ जाओ जाए तो बढ़िया रही नहीं यहाँ आ जाओ जाए तो अच्छा रही है 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 यहाँ है ये कुर्सी अच्छा है आप उपाध्यक्ष यादव समाज सेवा संघ तथा अवधि संस्कृति विकास परिषद के अध्यक्ष जगत राम यादव जी के यहाँ हियाँ आय के आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। यहाँ कुर्सी है सर आवाज आए हियाँ पर यहाँ पूर्व महासचिव अनुराग यादव जी के यहाँ हम आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। पूर्व सचिव केशव राम यादव जी के यहाँ आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। यहाँ आवाज है सर वैसे नेपाल अवधि सांस्कृतिक संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रामगोपाल यादव जी के यहाँ आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे। वैसे यादव विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष सुदीप यादव के यहाँ हम आसन ग्रहण कर दिए अनुरोध करी थे।
सदस्य तथा समाज सेवी केशवराम यादव के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थी। वैसे समाज सेवी राजपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के आसाराम यादव के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे कार्यक्रम बनाओ में बहुत बड़ा मिस्टेक भवा है, ये हम समय आचना हो चाहिए थे। ये महायज्ञ के अध्यक्ष राम बहादुर यादव के यहाँ पहले यहाँ लिखे चाहिए, हम लिखे के वजह से सरस्वती पढ़ते के है, अब भूल चूक माफ करा जाए कहते पहले कह के है। राम बहादुर यादव जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। और साथ है कि कार्यक्रम के यहाँ संचालन करें महासचिव के यहाँ हस्तांतरण भी करा चाहिए थे। आइए समाज सेवी राजकुमार खड़का जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे यादव समाज सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष विनती राम यादव जी के हम पहले कह चुके हैं, आवत हैं आवते में कह दिए हैं, आसन ग्रहण कह दिए कहें हम अनुरोध करना चाहिए थे। वैसे समाज सेवी केसर पछाई जी के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। आप लोग ताली बजाए दिए के यहाँ सही न करा जाए। वैसे खीम बहादुर केसी जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे नर बहादुर राव जी के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक बुद्धिजीवी अमृत पछाई जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे बुद्धिजीवी कोटीलाल कंवर जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे पत्रकार प्रिय स्मृति गजमेर जी के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे समाज सेवी देवी माया थापा जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। अभी पहले हम कह चुके हैं बार बार ना कहा पर दर्शन दास महाराज जी के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। यादव समाज यादव विद्यार्थी संघ के सचिव ठाकुर यादव के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे राम निवास यादव जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक शिव कुमार यादव के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक बुद्धिजीवी जयराम यादव जी के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक बुद्धिजीवी बद्री प्रसाद यादव के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक बुद्धिजीवी शनि राम यादव के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे शिक्षक बुद्धिजीवी मोहन यादव जी के यहाँ हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। वैसे बुद्धिजीवी समाज सेवी जमुना प्रसाद यादव के हम आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। अब आसन ग्रहण कार्यक्रम जारी रही। अब वैसे हम ये तुलाराम बाबा जी के यहाँ आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। अब ये कार्यक्रम में और समस्त दादा भैया लोगों के हैं अपने अपने स्थान में आसन ग्रहण करे अनुरोध करी थे। अंतरण करे के यहाँ भी अनुरोध करी थे और करा चाहिए थे। धन्यवाद। समय के यहाँ सबसे पहले कार्यक्रम के यहाँ चलाए के सहयोग करे वाले राजू राम प्रसाद यादव जी का विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं। हम आसन ग्रहण के कार्यक्रम पूरा प्रमुख अतिथि अतिथि सभापति लगाए संपूर्ण के यहाँ वैसे आसन ग्रहण के कार्यक्रम के हम जोड़ा चाहे थे। आसन ग्रहण कह दिए सकते हम शिक्षक बुद्धिजीवी बोध प्रकाश यादव जी के यहाँ आसन ग्रहण कह दिए सकते अनुरोध करते हैं। आप लोग के बीच में वैसे कह के आसन ग्रहण के क्रम में है अवधि संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान के केंद्रीय कोषाध्यक्ष पटवारी यादव जी का हम आसन ग्रहण कह देते हैं। अनुरोध करते हैं वैसे आसन ग्रहण के लिए करते हैं। वैसे अतिथि
गणपति यादव के यहाँ विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण कर झांसी के लोग करते हैं, ऐसे अतिथि का आसन ग्रहण करते हम वार्ड नंबर राजपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर यादव जी का आसन ग्रहण कर लोग करते हैं, वैसे वैसे वार्ड नंबर राजपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर यादव जी का आसन ग्रहण के लिए भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आसन ग्रहण के कार्यक्रम निरंतर रूप में जारी रही आप लोग के बीच में है जानकारी करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य देकर आज के कार्यक्रम के सभापति प्रमुख अतिथि अतिथि लोग के हैं स्वागत मंतव्य से स्वागत के लिए करके हम राम प्रताप यादव जी का हार्दिक अनुरोध करते हैं। आदरणीय दादा भैया लोग, आज हम यादव समाज सेवा संघ के तरफ से और निर्माण समिति के तरफ से यहाँ प्रदेश नंबर हमें कहा लागत है कि बहुत बढ़िया से मंदिर बनी, कहे से कि हम लोग प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 5 के सभासद जी कहे पावागा है, ये वजह से मंदिर बहुत अच्छा से बनी, कोनो चीज के संजोग होत है, ये वजह से वे अपन बहुत अमूल्य समय दे के यहाँ प्रमुख अतिथि के या घामे में यहाँ बैठे हैं, लेकिन अपने बुढ़ापा महसूस नहीं करते हैं, जवान हैं कह के घाम के यहाँ आँट के और बैठे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करा चाहित है। वैसे विशिष्ट अतिथि लोगन के यहाँ स्वागत करा चाहित है, वैसे यहाँ आसन ग्रहण करल संपूर्ण अतिथि जी लोगन के यहाँ हम स्वागत करा चाहित है, और यहाँ पत्रकार शिक्षक बुद्धिजीवी समाज सेवी और ये सभा में उपस्थित हुए संपूर्ण दादा भैया लोगन के यहाँ हम ये संस्था के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करा चाहित है। अब थोड़े बात कह दी हम हूँ टाइम तो बहुत थोड़े है, समय नहीं है, नेपाली समय ऐसे होत है कि जब भी कार्यक्रम करते हैं तो नेपाली समय बहुत थोड़े होत है, लेकिन सकार जरूर होत है, 6 बजत है, लेकिन समय वका छोटे कहा जाता है, ये वजह से हम ही लोग छोट हुई थे, ये वजह से समय कब्बो ना छोट होते चला करते हैं, तो ये वजह से समय छोट होते अब यही में हम देखो एक टाइम ले ली हम अब एक ना कहा चाहिए, लेकिन यादव समाज सेवा संघ और हिया के समाज अवधि समाज जोन राधा कृष्ण मंदिर बनाए के योजना बनाईस वह का थोड़े हम वही विषय में हम कहा चाहित है। कोई भी चीज मंदिर कहते खन बहुत मेयर के मंदिर होते है, एक ठो मंदिर होते है तो एक ठो संस्थागत होत है, वही मंदिर या कहें संस्था बन जात है, और वही मंदिर में हाँ देखो शिव जी के मंदिर बना है लेकिन पूजा ना होत है, कोई भी मंदिर के कार्यान्वयन पक्ष बेर बेर ये अतिथि लोग कहूँ कहूँ सभा में कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज कार्यान्वयन पक्ष हुए, तो कार्यान्वयन पक्ष कोई बड़ा हो जाए तब वो छोट मंदिर बन जाए तब वो कार्यान्वयन हुई तब वे हुई, ये वजह से रिहार धाम में राधा कृष्ण मंदिर बनावे खड़ती एक संस्थागत वो वहाँ करीब करीब 12-13 ठो कार्यक्रम 15 ठो योजना है, मंदिर रही करीब करीब 1 कट्ठा में है कमती में है 2,500 आदमी वो छत के नीचे बैठे वही किस्म से मंदिर बनाओ की योजना हुए, नेपाल में है लगभग लगभग सबसे बड़ा राधा कृष्ण के मंदिर बने कह के ये समिति योजना बनाई, उकरे बाद में अतिथि गृह विवाह मंडप उकरे बाद में पुष्प वाटिका उकरे बाद में हवन कुंड यावत 15 ठो आइटम है, ये वजह से कमती में होकर 1.5-2 बीघा चाहत है, 1.5-2 बीघा चाहे वजह से इस समिति में है, इस समिति अनुरोध की ही अनुरोध किए के बावजूद 1 बीघा 10 कट्ठा 11 धुर ये धार्मिक विकास क्षेत्र के समिति हस्तांतरण की सी वो मंदिर के यहाँ बनावे खड़ती सबके दायित्व हुए सबके सहयोग चाहिए सबके इच्छा चाहिए, ये वजह से कोई भी कार्यक्रम के यहाँ करे खड़ती सबके सहयोग बिना कोनो काम नहीं होत है, तो सबके सहयोग हुई कह के हम अनुरोध भी करा चाहित है, और कोनो काम के यहाँ एकजुट होकर एक आवाज होकर गए से वो सफलता भी होत है, ये वजह से हमें आशा है कि ये समाज एक होकर वो कार्यक्रम के यहाँ सफल करी वो मंदिर के यहाँ बनाई मंदिर के यहाँ सहयोग करी, और आदरणीय प्रमुख अतिथि जी के यहाँ हम एक चीज़ का सुनाना चाहते हैं, आजिन
अपने डायरी में यहाँ नोट कर लिया जाए कि रिहार धाम में यहाँ एक ठो बहुत बड़ा मंदिर बनत है, वह का सोयो तो सपना में है भी देखो, जागो तो वैसे भी याद रही, कह के वहाँ का करे पड़ी तो अपने डायरी में लिख लिया जाए, कह के हम अनुरोध करा चाहे थे। वैसे लमही नगर पालिका के प्रमुख जी हैं, उन्हीं के एरिया में यहाँ रिहार पड़त है, उनका भी सहयोग करके यहाँ ये समिति बहुत बड़ा अपेक्षा लिया है, कहे से कि लमही नगर पालिका के एरिया में है परे को जैसे यही एरिया के वार्ड अध्यक्ष जी लोग हैं, वार्ड अध्यक्ष जी लोगों के यहाँ भी ये समिति बहुत बड़ा अपेक्षा किया है। वैसे राजपुर गांव पालिका के उपाध्यक्ष जी आए हैं, उन्हों के यहाँ वो सहयोग करी है, राजपुर गांव पालिका भी सहयोग करी कह के बहुत बड़ा अपेक्षा लिया है। वैसे गढ़वा गांव पालिका के अध्यक्ष जी आए हैं, उन्हों के यहाँ ये समिति राधा कृष्ण मंदिर में यहाँ बहुत बड़ा सहयोग करी है कह के आशा लिया है और सहयोग करी है, हम आशावादी भी हैं। वैसे संपूर्ण शिक्षक बुद्धिजीवी समाज सेवी जे जे जहाँ से है ये मंदिर में यहाँ सहयोग करी है अपने अपने ठाव से कह के आशावादी हन, और पत्रकार मित्र लोग इनके लोगन के बहुत बड़ा समाज में यहाँ भूमिका रहत है। हमारे आदरणीय भाई दशरथ जी आए हैं, हमारे सबके अभी कार्यक्रम है मौन धारण के कार्यक्रम है, ज्ञात अज्ञात शहीद लोग प्रति एक मिनट उठ के सभी अपने अपने ठाव में उठ के मौन धारण करे करती हम अनुरोध करते हैं, एक मिनट के समय सबका उठ के आशा उठे मौन धारण कार्यक्रम प्रतिक्रम प्याज वितरण करे वाला कार्यक्रम है। यादव विद्यार्थी संघ सचिव छपरी यादव जी का संपूर्ण सभापति प्रमुख अतिथि अतिथि लोग का प्याज वितरण करके जन्म के रोगिनिया तोहरे द्वारे मानी भक्त जान आवै, तोहरे द्वारे मानी भक्त जान आवै, पाई के मंगन मन हरताई जन्म के रोगिनिया मानी बैठुरी हरवा में आई जन्म के रोगिनिया। धन्यवाद संतालक जी, आज का ये कार्यक्रम का सभापति महोदय प्रमुख अतिथि जी और वैसे विशिष्ट अतिथि जी लोग यहाँ आवल लोग सुरक्षा कर्मी लोग और ये यादव समाज के प्रति मोह माया ममता दिखाए वाले सब दादा भैया बहनी लोग कहें, हम नेपाल अवधि संरक्षण प्रतिष्ठान की तरफ से थी हार्दिक आभार व्यक्त करी थे, धन्यवाद देवा चाहे थे कि आप लोग हमारे अवधि संस्कृति कहें यादव समाज कहें के तरफ से जो निर्माण होने वाला है वोकर प्रति आप सबके माया ममता है कि हम आभार व्यक्त करते। और ये कार्यक्रम में आप सब लोग साथ दिया जाए कह के हम अनुरोध फिर करी थे, बाकी गीत खेती आप सबका हम फूल माला और बाद मैं भी
आरती वरती कह के जैसे हमने स्वागत न कर पाए कई पाए का शब्द स्थिति एक गदरा बनाए के वही के हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। कर बे बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारा उपहु न माना कि आई गए हमारा उपहु न माना बेला चमेली तुरी के लई बे जाई कि अरे फुलवारी मोरे रामा जाई कि अरे फुलवारी वही फूल के माला बनाई वही फूल के माला बनाई अतिथि गले में डारी कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारे पहु न माना गैया के घिया कपास के बाकी चौमुख देना बारी मोरे रामा चौमुख देना बारी वही देना से पहुना लोगन कहे वही देना से पहुना लोगन कहे ले बयारती उतारी कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कहती नवा कि आई गए हमारे पहु न माना एक तौरी हार धाम वैसे सुहावन दूजे अतिथि केर अवनवा हो रामा दूजे अतिथि केर अवनवा तीजे बरसारी तू कै सुंदर बेला तीजे बरसारी तू कै सुंदर बेला सब वर खिला सुमनवा कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारे पहु न माना दूर दूर से पहुनाया है आपन काम सब छोरी मोरे रामा आपन काम सब छोरी यादव समाज सब पहुना लोगन कहे यादव समाज सब पहुना लोगन कहे हरदम रही आभारी कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारे पहु न माना राधा कृष्ण कई मंदिर बनावे के आप लोगन कई हरदम चाही सथवा हो रामा हरदम चाही सथवा पुष्प गुच्छ शब्द पुष्प का गजरा बनाई शब्द पुष्प का गजरा बनाई सबका करित स्वागत वा कि आई गए हमारे पहु न माना कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारे पहु न माना कई के स्वागत विदा मांगित है शीश झुकाई चरणवा हो रामा शीश झुकाई चरणवा स्वागत गीतिया गावे गोपाल स्वागत गीतिया गावे गोपाल पंचन के रे समनवा कि आई गए हमारे पहु न माना स्वागत कर बारी कई दिया नवा कि आई गए हमारे पहु न माना कि आई गए हमारे पहु न माना। धन्यवाद। रामदास यादव जी का अनुरोध करना चाहिए धन्यवाद यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अतिथिगण यादव समाज सेवा संघ के पदाधिकारी लोग रिहार धाम के संपूर्ण समिति रिहार संपूर्ण राजू भाई दीदी बहनी लोग और देवघर का यहाँ उपस्थित हुआ राजपुर से लेकर गढ़वा के गोबडीहा तलुक का ऐसा पानी के मौका में यहाँ आवल हमार बंधु लोग ये आज के कार्यक्रम हमरे लोग काहे किया गया है का करे करते किया गया है ये का बहुत से साथी लोग जानत हुए बहुत से सारे नए जाने हुए इस ये कार्यक्रम का लक्ष्य का हुए उद्देश्य का हुए और ये डांग जिला के देवघर क्षेत्र में का करा चाह कहकर हम आप सबके बीच में रखा चाहे हमारे लोगों के ये कार्यक्रम
एउटै छानामुनि वैकल्पिक पद्धतिबाट सम्पूर्ण रोगको उपचार। हाम्रा सेवाहरू प्यारालाइसिस, पक्षघात, मुख बाङ्गिने, बात तथा हाड जोड्नीको दुखाइ, युरिक एसिड, काँध जाम भएको, कुहिनाको दुखाइ, नसा च्यापिएको, हड्डी खिएको, फ्र्याक्चर पछिको जोड्ने जाम, बाल अपाङ्गता, पेट सम्बन्धी ग्यास्ट्रिक अल्सर फाइल्स, पिसाब तथा पत्थरी, दम, एलर्जी, रुगा खोकी, कपाल झर्ने, थाइरोइड सम्बन्धी समस्या तथा मानसिक समस्या, यौन दुर्बलता तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्या, महिला तथा पाठीघर सम्बन्धी समस्या, सेतो पानी बग्ने, महिनावारीको गडबडी, पाठीघरमा मासु पलाएको, पाटीघरले ठाउँ छोडेको, बिस्तारमा बच्चाले पिसाब फेर्ने सम्बन्धी समस्या, माइग्रेन, टन्सिल बढेको, नाकमा मासु पलाएको, सेतो दुबी, मुसा, पुरानो दाँत बकबकाउने, बिना अपरेसन गर्ने तथा कम्मरको नसा च्यापिएको समस्याको उपचार साथै पाइल्स पत्थरी शरीरमा उब्जेको गाँठा गुटीको सही निदान सँगै उपचारको व्यवस्था। नसा सम्बन्धी रोग हुँदा एकदमै गाह्रो अवस्थामा थियो पहिला, अनि म यो बुद्ध स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा आएर म निको भए होइन, निरन्तर म यही गरिराख्छु एकदम राम्रो छ। सम्पर्क बुद्ध स्वास्थ्य उपचार केन्द्र प्राली तथा अर्घा खाँची होमियो फार्मा, मिलन चोक बुटवल 8, फोन 071-543-344, मोबाइल 98-471-60-381 र 98-470-47-796। डिलाइट कलर ओल्ड एन्ड सप्लायर्स, पिसिओ रोड, लमही दाङ। हामी कहाँ विश्वमा नम्बर 1 ड्युलेस कम्पनीका पेन्टहरू, इन्डिगो पेन्टको आधिकारिक विक्रेता, नेपालमा नम्बर 1 नेपाटकका पाइप एन्ड फिटिङहरू, दस वर्ष वारेन्टी भएका बाथ एन्ड सेनेटरी फिटिङ, हिलटेक कम्पनीका ट्याङ्कीहरू, वाटर प्रुफिङ प्रोडक्टहरू, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर तथा हार्डवेयर आइटमहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। ड्युलेक्स ट्रोइका बेनकार्डो नेपाटपको आधिकारिक विक्रेता, डिलाइट कलर ओल्ड एन्ड सप्लायर्स, पिसिओ रोड, लमहिता। सञ्चालक भीम कुमार छेत्री, सम्पर्क 082-540-678, मोबाइल 98-474-773। उच्च क्वालिटी का 3D स्टील का ढोका झ्याल को एकमात्र डीलर देवखरी पीके मेटल सप्लायर्स, लमही नगर पालिका 5, शिव मंदिर को ठीक अगाड़ी। किरा धमिरा पानी ले असर नगर्ने, सस्तो र निकै बलियो कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी बनाइएको हार्डवेयर र फिटिङ का सम्पूर्ण सामग्री कम्पनी द्वारा व्यवस्था गरिने, स्टील बाट तयार गरिएका झ्याल ढोका चौकस पल्लाको प्रयोग गरौँ र ढुक्क हौ। नोट, हामीले देउखरी कपास उद्योग रातोडा र लमहीमा खोली सिरक डसना लगायत अन्य कपासबाट बन्ने सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सम्पर्क देउखरी पीके मेटल सप्लायर्स, लमही नगरपालिका 5, शिव मन्दिरको ठिक अगाडि, लमही दाङ। मोबाइल 98-578-40-049, 98-097-14-422 र 98-478-26-974। सावधान, बजारमा 3D जस्तो ढोकाहरू आएकाले भ्रममा नपर्न अनुरोध छ, किनकि 3D स्टिलका ढोका झ्यालको आधिकारिक विक्रेता भनेको देउखरी पीके मेटल मात्र हो। आधुनिक अल्मुनियम, किचन क्याबिनेट, टिभी प्याक, अफिस फाइल प्याक, दराज, झ्याल ढोका, पार्टेसन, कम्पोजिट प्यानल, स्टिल रेलिङ, फ्रेमलेस ग्लास साथै स्टिल रेलिङको काम हुने एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेडिङ देउखुरी स्टिल एल्मुनियम ट्रेडिङ, लमही 11 सनलाइट स्कुल जाने चोक सौगात डेरीको पछाडि। 12 वर्षसम्म स्वदेश र विदेशमा काम सिकी आउनुभएका दक्ष तथा अनुभवी कालीगरद्वारा जस्तोसुकै डिजाइनका स्टिल एल्मुनियमका घर डेकोरेसन सम्बन्धी काम गरिन्छ। सम्पूर्ण सामान फिटिङ पश्चात वारेन्टीको सुविधा उपलब्ध छ। इच्छा अनुसार धेरै प्रकारका स्वदेशी र विदेशी क्वालिटीका सामानहरू निर्माण गर्न सकिने एकमात्र विश्वासिलो देउखरी स्टिल एल्मुनियम ट्रेडिङ।
लमही 11 सनलाइट स्कूल चौक सौगात डेरी को पछाड़ी। हामी कहाँ काठ को चौकस में एल्युमिनियम को पल्ला पनि बनाइन्छ। संचालक भरतमणि महरा 98578-4719, वासुदेव गौतम 98578-4750, एसबी चौधरी 98578-4718, सबिन गौतम 98578-4156। फैमिली स्टील फर्नीचर राप्ती गाउँपालिका 1 पुलचोक बालवांग देउखरी दाङ। अब यो फर्नीचर पुरानो ठाउँ देखि न्यू रोड निन्जा होटल को छेउमा सरेको जानकारी गर्न चाहन्छौं। हामी कहाँ स्टील द्राज, प्लास्टिक कुर्सी, पीवीसी कार्पेट, ग्यास, ग्यास चुलो र ग्यास का सम्पूर्ण सामान साथै प्लास्टिक का सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। मनकामना ग्यास को आधिकारिक डिलर फैमिली स्टील फर्नीचर राप्ती गाउँपालिका 1 पुलचोक न्यू रोड निन्जा होटल को छेउमा। प्रोप्राइटर दोर्ण प्रसाद आचार्य, संपर्क नंबर 082-4151-77, मोबाइल 98578-4015 र 98097-86500। झुक्किनु होला नि, पुरानो ठाउँ देखि न्यू रोड निन्जा होटल को छेउमा हामी रहेका छौं। आचार्य इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड डीपी कस्मेटिक एन्ड ब्युटी पार्लर राप्ती गाउँपालिका 1 बालुबाङ पुलचोक प्युठान रोड। अब यो इलेक्ट्रोनिक्स पुरानो ठाउँ देखि प्युठान रोडमा रहेको आफ्नै निवासमा सरेर सेवा सुविधा दिदी आएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छौ। हामी कहाँ टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, घडी, पंखा, क्याल्कुलेटर, साउन्ड सिस्टम, एलईडी सीएफएल लाइट, राइस कुकर, मिक्सर, रेडियो लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिक्री वितरण गरिन्छ। हामी कहाँ सम्पूर्ण ब्रान्ड का मोबाइल जस्तै सामसुङ, सिजी, कार्बन कलर्स, ओपोल, नोकिया सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइन का चस्मा बिक्री वितरण गरिनुको साथै सम्पूर्ण सामान होलसेल मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ कस्मेटिक सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान बिक्री वितरण गरिनुको साथै ब्युटी पार्लर सम्बन्धी काम पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर दोर्ण आचार्य, मोबाइल 98479-73781 र 98222-4577। बीएस इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सप्लायर सहमार्ग लमही दाङ। विगत 5 वर्षदेखि सेवा दिदी आएको एस बीएस इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सप्लायर्स मा सामसुङ, सानसुई, पेनासोनिक कम्पनी का एलईडी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, डी फ्रिज, एसी कूलर, फैन, आयरन, राइस कुकर, मिक्सर सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। सामसुङ, नोकिया, कलर्स, लाभा, ओप्पो, भिभो, हवाई कम्पनी का स्मार्टफोन तथा कीप्याड फोन पाउनुको साथै मोबाइल पार्ट्स बिक्री वितरण र मोबाइल रिपेयरिङ पनि गरिन्छ। घडी, रेडियो, पेन ड्राइभ, मेमोरी पाउनुको साथै डिसुम र अन्यको रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। सामसुङ, सानसुई र पेनासोनिकको लमही क्षेत्रको आधिकारिक विक्रेता बीएस इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड सप्लायर सहमार्ग लमही दाङ। संचालक विजय सिंह ठगुरी, मोबाइल 98478-98811। नोट, यस पसलको शाखा पसल गढवामा पनि खुलेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। राप्ती रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योग गोबडिया 1 टहडा पेट्रोल पम्प नजिक। यस क्रसरबाट उत्पादित साइजहरू हामी कहाँ ढलाई गिट्टी कर्सिप 3x4 इन्च, ढलाई गिट्टी नेचुरल 3x4 इन्च, धोएको बालुवा, धोएको जिरा, क्रसर गिट्टी 1x2 इन्च, क्रस धुलो, धोएको गिट्टी। निम्न सेवाका लागि निम्न सेयर होल्डरलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सेयर होल्डर नुमानन्द सुविधि पाखापानी 98578-32389, ओम भूषाल लमाही 98578-40222, भोजराज पाण्डे घोराई 98580-20291, खगराज पाण्डे घोराई 98578-30722, कृष्ण सुविधे भालुवाङ 98578-32316, राम प्रसाद भूषाल भालुवाङ 98412-40510। अफिस फोन नम्बर 98578-40833। नोट, क्रसरबाट उत्पादित गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गरौँ र सिमेन्टको बचावट साथै भूकम्प रहित घरको निर्माण गरौँ। एक वर्ष एसएलसी
उत्कृष्ट नतीजा लाए वाले यादव भाई बहन लोगों के यहाँ हमारे लोगों को सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम करा जाता है। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे लोग हरिहार में यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पार के और राधा कृष्ण के एक तो ऐतिहासिक मंदिर पर्यटक लोगों के यहाँ मद्देनजर करते है, देश विदेश के पर्यटक लोगों के यहाँ मद्देनजर करते है। और हमारे लोगों के ये दांग में रहा पाँच नंबर प्रदेश में रहा नेपाल अधिराज राष्ट्र में रहा पाँच नंबर प्रदेश में रहा पाँच नंबर प्रदेश अंतर्गत दांग जिला में रहा दांग जिला अंतर्गत लम्हे नगर पालिका में रहा लम्हे नगर पालिका अंतर्गत वड़ा नंबर नौ रिहार धाम में रहा एक सौ पर्यटकीय क्षेत्र रिहार धाम में यहाँ एक सौ ये ठाव के अपने देश के अपने प्रदेश के नाम देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अभी एक हमारे लोग पहचान करा जाए कह के एक ठो यादव समाज सेवा संघ द्वारा आयोजना करल राधा कृष्ण मंदिर बनावा जाए कह के यादव समाज सेवा संघ कि आयोजना में यहाँ कैसे किया जाए तो एक आर्थिक के व्यवस्था कैसे किया जाए। अब कुछ तो शुरुआत हमारे लोगों करे पड़ा तब भी हमारे कोई से मांग पावा जाए कह के यादव समाज सेवा संघ के आयोजना में यहाँ राजपुर गांव पालिका वड़ा नंबर तीन बसंतापुर में श्रीमद भागवत महापुराण का आयोजना किया गया। हमारे लोग वहाँ देवघरवासी दांगवासी संपूर्ण स्थानीय राजपुर के सबके सहयोग में यहाँ श्रीमद भागवत हमारे लोगों का संपन्न भवा वो वहाँ मंदिर राधा कृष्ण मंदिर बनावे के खातिर हमारे लोगों के यादव चौधरी अन्य जाति के लोग हमारे लोगों सहयोग किए लेकिन हमारे लोगों के का हो यादव समाज सेवा संघ एक ठो रिहार धाम हमारे लोगों के एक यादव लोगों के कुल देवता का स्थल हुए कह के हमारे लोग पहचान करते और वहाँ एक ठो राधा कृष्ण जी के मंदिर का आवश्यकता है और वो मंदिर कोनो छोटे गांव घर में जो मंदिर बना रहा था वही में न हो के एक ठो राष्ट्र के एक ठो नाम उजागर करे के हिसाब से ना वो मंदिर बनावा जाए कह के एक शुरुआत करा गया है। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध हमारे का है कि आज के ये कार्यक्रम हमारे लोगों के ये रिहार धाम में यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर बनावे के हुए और वो मंदिर एक ठो हमारे देवघर के दांग के पाँच नंबर प्रदेश और दांग जिला के लम्हे नगर पालिका के लम्हे नगर पालिका के वाड़ा नंबर नौ के पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अभी जाए ये हिसाब से हमारे लोग राधा कृष्ण के मंदिर पर्यटक लोगों के मध्य नज़र करते हमारे लोग यहाँ निर्माण करा जाए वो मंदिर में यहाँ सभापति एवं यादव समाज सेवा संघ के उपाध्यक्ष जी ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश नंबर पाँच के सभासद श्री रेवती रमन शर्मा जी विशिष्ट अतिथि लम्हे नगर पालिका के मेयर जी और गढ़वा गांव पालिका के अध्यक्ष जी और राजपुर गांव पालिका के उपाध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित यादव समाज सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष से लेकर भूतपूर्व अध्यक्ष जी लोग विभिन्न वड़ा पालिका के अध्यक्ष जी लोग और यहाँ उपस्थित संपूर्ण बुद्धिजीवी महिला एवं सज्जन वृंद सबका हम अपने तरफ से नमस्कार करा चाहते हैं। हम जो निर्माण समिति है यादव समाज सेवा संघ के संरक्षक है और बाहर फिर लम्हे नगर पालिका एक मास्टर प्लान बनाया है एक कुल देखत
जोन जेका जिम्मा दिया गया है वही लोग जोन में उनके उनका सबका योजना है वही किस्म का भव्य मंदिर बने जोन मास्टर प्लान से मैच करके कौन ठाव कहाँ का उपयुक्त होता है वही सब कोई अब प्लानिंग करके वा बनावे वो महान हमारे तरफ से व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सामाजिक व्यक्तिगत रूप में जोन किस्म का सहयोग हो पाई वही राधा कृष्ण मंदिर के लिए हर प्रकार के सहयोग करे हम तत्पर हन कहते हैं। व्यापक रूप में जानकारी दे करके हम रोहका पालिका के अध्यक्ष सहजदा माधव जी का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जी। राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए उपस्थित होल कार्यक्रम के सभापति महोदय यादव समाज सेवा संघ के उपाध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 5 के माननीय सांसद जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में लम्ही नगर पालिका के मेयर जी, राजपुर गांव पालिका के उपाध्यक्ष जी, यादव समाज सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष लगायत संपूर्ण आश्रम होल अध्यक्ष लोग और के बारे में ये कार्यक्रम में उपस्थित होल लम्ही नगर पालिका के ए वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जी और धार्मिक बग्गार बाबा क्षेत्र विकास क्षेत्र के अध्यक्ष लगायत ये कार्यक्रम यहाँ उपस्थित होल एक राधा कृष्ण के मंदिर के अभिलाषा के लेके देवघर में सब लोग के यहाँ जगावे वाले महंत जी और सब पुरखा पुरनिया सब के यहाँ हम धन्यवाद दिए चाहते हैं, स्वागत करे चाहते हैं और क्या कहे चाहते हैं ये कार्यक्रम के आज के उद्देश्य का हो जो उद्देश्य अनुसार काम नहीं हुए किस्म के थोड़े गड़बड़ के स्थिति दिखाई पड़ता है यही बारे में हम बात का कही चाहिए थे। लम्ही नगर पालिका के मेयर जी के ध्यान आकर्षण का करवा चाहिए था कि देवघर के यादव लोग सब लोग लम्ही की हैं एक धार्मिक विकास कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और ये काम जो आयोजन के विशेष रूप में अपना के बलाई के छलफल करे वाला उद्देश्य हो चाहिए लेकिन उमा कुछ बुद्धि नहीं पुगा यह कारण से अपना एक ठो प्रमुख पद में हो तो यह चीज़ के जो आज एक उद्देश्य है यह उद्देश्य के हैं पूरा करे के लिए हमारे लोगन के जो कमी कमजोरी भा ओका हटाए के जो उद्देश्य हो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रिहार में है राधा कृष्ण मंदिर बने के लिए कुछ न कुछ काम शुरुआत हुए मंदिर के बारे में ईंटा धरा जाए तो मंदिर के बारे में ईंटा ना रखा जाए लेकिन धार्मिक निर्माण स्थल और वहाँ जाए तो पिलर गाड़ के शुरुआत के एक तो संकेत हो चाहे लेकिन यहाँ के हम देखें सुनें तो लम्ही के नगर पालिका के मेयर जी क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपये 40 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान विकास योजना प्रति के बन चुका है यह कारण से नक्शा अनुसार से ठाव आज किटा न करा जाए लेकिन उनसे हम बुझें ये डगर से यार पूर्व के स्थल ये मंदिर के नाम से विकास हुई धार्मिक विकास हुई कहे से ये उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते थे कि आज के सब यादव लोग इनकी चाहना के हैं पूरा करे के लिए ये सड़क से पश्चिम राजमार्ग से दक्षिण सब में है और अपना लोग इनके मास्टर प्लान के योजना के बीच में है राधा कृष्ण मंदिर यह ठाव के बीच में है निर्माण करा जाए कह के एक ठो माइंडिंग में है अपना सहमति जना दिया जाए यादव लोग इनकी इच्छा की है पूरा कर दिया जाए ये काम हुई जाए तो आज के जो मेन मकसद हुए वो पूरा हुई जो अपना कहा जाता है वो मास्टर प्लान के प्राविधिक लोग हैं वह अनुसार राधा का मंदिर भी है मंदिर बना हुआ है राधा कृष्ण के मंदिर और ये जो तमाम कुल सुनाई नहीं वह का वही भीतर में सेट करे की किस्म के मिला जाए कहा से कि संरचना नहीं बना हुई संरचना नहीं बने कारण से आज हम लोग देवघर भर के सब लोग यादव राधा कृष्ण मंदिर के नाम में है कुछ न कुछ शुरुआत हो कह के उद्देश्य के साथ आए रहे अपना कहा से कि हमला समन्वय करूँ भाई समन्वय नाय भाव के लिए गलती क्षमा मांगा जाता लेकिन आज यादव लोगन के जो इच्छा है चाहना है कि यहाँ एक ठो पिलर गाड़ा जाए और निर्माण स्थल तो उग जाए वहाँ लम्ही नगर पालिका के मेयर और यहाँ के धार्मिक बग्गर बाबा के अध्यक्ष लोग सब की यहाँ सहयोग कह के यादव लोग यादव समुदाय के भावना के कदर कह दे के लिए अनुरोध करते कार्यक्रम कहे से वो जब टूंगो लग गई वह मेन काम हो वो काम हो जाए तो आज के कार्यक्रम सफल हुई यह कारण वह काम के सफल करे लिए फिर हम उनका लोगों के दुई हाथ जोड़ के अनुरोध करते थे धन और स्वागत करे चाहे थे यही वचन के हम मान दिए कि हैं उनका लोग अनुरोध करते हम अपन दुई सद्यंत करते हस्त धन्यवाद।
यादव समाज सेवा संघ के नेतृत्व में यहाँ बिहार में राधा कृष्ण मंदिर निर्माण करी करती राजपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 बसंतापुर में है। हम लोग श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ के संचालन करा कर से जो रकम उठा है वो रकम के यहाँ व्यवस्थापन करे करती और जो हमरे से जो नारा लेके महायज्ञ चलाओ कर रहा मंतव्य रख दी करती हम अवधि संस्कृति विकास परिषद दांग के पूर्व उपाध्यक्ष जगत राम यादव जी का अनुरोध। पूजा विधि विधान के व यात्री लोगन के बैठक निवास के पुजारी बाबा के अपन वह क्षेत्र में निवास के ये सब लक्ष्य लेके अबे हम सुनें थोड़े सांकेतिक रूप में कि 40 करोड़ बराबर के गुरु योजना यहाँ बनावे के लक्ष्य है। जोने में यहाँ नगर लमही नगर पालिका के विशेष भूमिका इमर रही और देखा भी है। तो ये नाते से गढ़वा गांव पालिका के अध्यक्ष के भी हम ध्यान आकर्षण करा चाहे थे और लमही नगर पालिका के अध्यक्ष जी का भी हम ध्यान आकर्षण करावा चाहे थे कि ये यदुवंशी सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में आप लोगन के महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। लेकिन ये बिरादरी के भावना के विपरीत आप लोग न जावा जाए, इनके भावना का समेट के ये भावना की कदर करते रिहार धार्मिक विकास क्षेत्र जोन है एक किस्म से वो प्रक्रियागत रूप में वो इस संपदा का आपन माने है। लेकिन ये यदुवंशी के संपदा है ऐपा हम लोग कभी समझौता न कर पेबे। बहने परसु बगार बाबा ये सब यदुवंशी के सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये धरोहर में हम लोग भले ही कानूनी रूप में आप लोगों की संपत्ति है लेकिन हम लोगों की संपत्ति हम लोग का मानित है। ये नाते से आप लोग भी जो निर्णय लेते हो विवेकपूर्ण निर्णय लिया हो ओके हम लोग स्वागत भी करा चाहित है। लेकिन हम लोगों की भावना के कदर कह दो स्थान की बात उठा है। स्थान में जब हम 40 करोड़ के एक गुरु योजना लाई थे तो हम एक कट्ठा दुई कट्ठा में वो योजना कहाँ निर्माण न कर पेबे ये निश्चित बात है। ये नाते से क्षेत्र हमें चाहिए 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा जरूर चाहिए ओकरे लिए कहे कि लक्ष्य बोके चाहिए सपना अच्छा देखे चाहिए। हम सपना ना देखब तो आगे हम बढ़ब कैसे ये नाते से। और कुछ साथी लोगों के धारणा है कि ये साइड में हमें चाहिए हम दावी के साथ कहा चाहिए थे कि अब यदुवंशी लोग कमज़ोर नहीं हैं यहाँ के धार्मिक विकास क्षेत्र के संपदा वो हम मानित है हुए लेकिन यदुवंशी के पारंपरिक संपदा हुए वो यदुवंशी के यहाँ ही पौराणिक संपदा हुए। ये नाते से हम लोग उपाय समझौता न करब जहिया आवश्यक पड़ी तहिया आप लोगों से फिर मांगब आप लोगों के दिए पड़ी ये बात का हम अनुरोध करा चाहिए थे। बाकी जिम्मेवारी हम दोनों गाँव पालिका और नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय लोगों के अनुरोध करे थे कि आप लोगों के पास सामर्थ्य है आप लोग जनप्रतिनिधि हो आप लोगों के पास एक भौतिक अवस्था के मतलब आर्थिक अवस्था के स्रोत है। ये नाते से हम लोग अभियान में सहयोगी हैं 10-20-50 हज़ार 5 से जोन दे पे दिया कर और देव भी और दिया भी हैं लोग। लेकिन ये पे आप लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हर दृष्टिकोण से आप लोगों के सहयोग के हम लोग अपेक्षा रखी थे। यही अपेक्षा के साथ आप लोगों के यहाँ स्वागत करा गया है अवसर आप लोग दिए हुआ है यहाँ आए गए है ये खुशी की बात है। और यही अभियान के साथ साथ ऐसे पहले बिनती राम जी वहाँ एक स्थान के मतलब पहले अनुरोध कह रहे कि हम लोग वहाँ राधा कृष्ण मंदिर बनावा जाए कृष्ण मंदिर बनावा जाए कह रहे लेकिन अब वो स्थान छोटा है वो स्थान पर हमें लागत थी कि उतना संभव भी नहीं दिखाता है। ये नाते से एक बृहद क्षेत्र अगर आप लोग देते हो तो ये खुशी की बात है। ये अभियान पर हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी कह के वही यदुवंशीय गुण न दिखावा जाए कहे से कि यदुवंशी लोग आपस में लड़के ही मर गए रहे और आज भी वही हाल है लड़ लड़के ना कोई जाए आगे जाओ ना जाए दे हो ये अभियान वही मेरा अभियान न चलावा जाए ठीक है। जोन कार्य समिति को हम लोग जिम्मा दिया गया वो अपन एक धारणा बनाई कि हाँ कौने लक्ष्य से आगे बढ़ा जाए वो अपन काम आगे बढ़ाए है तो पे हम लोग सहयोगी भूमिका खेला जाए। अगर आगे हम लोगों पर वह कदम पे कदम कहें पीछे हटाए देवे तो अभियान फेल हो जाए। ये नाते से हाँ हमारो धारणा कुछ अलग है हमारे व्यक्तिगत रिजर्वेशन हमारो कुछ है लेकिन हम जब देखे थे सबके कि हाँ दीर्घकालीन योजना ये ठीक है तो का माने पड़त है। ये नाते से व्यक्तिगत भावना कहें आप लोग रहा दिया जाए सामाजिक और सांस्कृतिक भावना कहें बल दिया जाए यही हमारा अनुरोध है। यही अनुरोध के साथ हम अपन दु शब्द यहाँ तक करते धन्यवाद। भाषा विकास परिषद दांग के हाल के अध्यक्ष हुए
हम आप लोग के बीच में जानकारी करावा चाहते थे। वैसे हम मंतव्य के क्रम में हैं, अपन मंतव्य रख दे करती हम यादव समाज सेवा संघ के पूर्व महासचिव अनुराग यादव जी का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। लगाए अतिथिगण, और ये धार्मिक कार्य में सहयोग करे के उद्देश्य से आशा भरोसा के साथ उपस्थित संपूर्ण उपस्थित सज्जन वृंद, आज वास्तव में बड़ा गौरव के दिन, खुशी के दिन आए। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी और आज श्री कृष्ण मंदिर के शुरुआत धार्मिक स्थल रिहार धाम में आज से शुरुआत करा गया है। सफर बाउंड्री मंदिर शिलान्यास के हेतु से यहाँ उपस्थित हुआ गया है। ये नाते भगवान श्री कृष्ण का नमन करते, ये अग्रज समुदाय का नमन करते कार्यक्रम के यहाँ आगे बढ़ावा चाहिए। उपस्थित साथी लोग, वास्तव में इतना बड़ा अहिर बिरादरी हम लोग हैं, और हम लोगों की संपदा हुए, हम लोगों के संरक्षण के अभाव में यहाँ बहुत से जगह अतिक्रमण हो गया है। बहुत लोगों के यहाँ दृष्टि कुदृष्टि पड़ा है। अब लवई नगर पालिका के प्रमुख है के कुछ उनके डॉक्यूमेंट देखें, वो देखे हिसाब से लगभग मैं लागत है रिहार का एरिया 133 बीघा दिखाता है। रिहार बकार बाबा धाम के एरिया 133 बीघा के दिखाते है। आज कितना है वो समय बताइए, का जब नाप जो करोगे तब पता लगे। और उनके 41 करोड़ के गुरु योजना के सपना कल्पना किया है। वो 40 करोड़ के सपना लगभग उनसे पहले भी बात हो रहा है। 10 करोड़ तो हम यही साल में, यही कार्यक्रम, यही अवधि में लग के जाब, और हमारे कार्यकाल में आई 40 करोड़ रिहार में लगा के दिखाए गए तब हम जावे कह के वो हमसे कमेंट किया रहा था। बतवा हुआ था शादी भाई बहन अपने हिसाब से बात होता रहा। तो यही नाते उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया चाहिए थे। और यही मंदिर के सिलसिला में यहाँ राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के सिलसिला में यहाँ एक महायज्ञ की शुरुआत भवा, वो शुरुआत करे वाले दर्शनदास बाबा लगाए संपूर्ण टीम का अंतर आत्मा से धन्यवाद दिया चाहिए थे। कम से कम ढीले भाव, लेकिन कम से कम कल्पना तक तो करा गए। ये दुबन से लोगों के इतिहास के अभाव तो खटका, ये के संरक्षण करे चाहिए कि भला हम लोगों के ढीले भाव के सद्बुद्धि प्लान ये रहते हृदय से आत्मा से ये आयोजक टीम लोगों के यहाँ, कर्ता लोगों के यहाँ, संपूर्ण के यहाँ, दाता लोगों के यहाँ धन्यवाद दिया चाहिए। उपरांत आदरणीय मित्र विवेक सिंह पछाई बकार बाबा धाम के अध्यक्ष हैं, हम लागत सुनें 1.5 बीघा जगह वो भी लिखित रूप में संस्था के राधा कृष्ण मंदिर बनाने के लिए दे चुके हैं। उन्हें भी यादव संप्रदाय की तरफ से, समुदाय की तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से उन्हें धन्यवाद दिया चाहिए थे। उपस्थित साथी लोग, वास्तव में यहाँ अगर गुरु योजना मास्टर प्लान अनुसार मंदिर बना तो निश्चित रूप में ऐतिहासिक भूमि में है, निश्चित रूप ऐतिहासिक भूमि तपोभूमि के रूप में देश विदेश में परिचित हुई। लेकिन उपस्थित प्रमुख लोग, गांव प्रमुख लोग, गांव पालिका प्रमुख लोग, नगर प्रमुख लोग हैं, संयोग से हम लोगों के बीच में आज माननीय दाजू रेवती रमन शर्मा भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। ये हम लोगों की लागत है, हम लोग बिरादरी लोगों के राधा कृष्ण मंदिर के इस संयोग अच्छा जुटा है, जैसे हमें लागत है। उपस्थित साथी लोग, यही लूछा चूड़ी न कह के ये मंदिर में यहाँ सबके अपनों तो हुए हिसाब से मंदिर बनावा जाए, जहाँ पाइक पर है, जहाँ वो मंदिर के समुचित समर्थन हुए, जहाँ जो मेरे के आज के सभापति भैया आड़ी तब तो प्रस्तुत किया रहे, वो 15 संरचना अटा के हिसाब से हम लोगों ने एरिया कहाँ है वो पाइक भी रहा है, उतना एरिया मतलब वो 15 संरचना अटाई भी लायक रहा है। और हेमा एक व्यक्ति की कहे से ना हो पाई, ना आड़ी की कहे से हुई, ना बाबा दर्शनदास की कहे से हुई। हम आप जब सभी कोई जब के अपना तो न हुई, जब तक स्वामित्व न हुई, तब तक कौन भी चीज़ सफल न हो पाई। ये नाते जहाँ वह मंदिर के संरक्षण के लिए उचित हुए, मंदिर काल संरक्षण के ओझल अभाव में न पड़े, वह हिसाब से इनके मास्टर प्लान देखे के अनुसार तो हमें लागत है कि ये नजदीकों कहीं है, उनका घूम फिर के देखा जाए। और जो हमसे सलाह ना कि इनके के प्रमुख जी कहीं रहा, वास्तव में मिस्टेक हो, सलाह करे चाहिए। सलाह हो तो नापी नक्शा अमीन लेके होते, आज बाउंड्री छुटिया जात। उपस्थित भाई हैं, इनके भावना के यहाँ कदर करते, कम से कम ठीक है मंदिर के क्षेत्र अमीन नहीं है, हम लोग तो छुटिया पावा जाइए,
लेकिन जौने उद्देश्य जौने सिलसिला से यहाँ उपस्थित भाग है वह कहे कम से कम तो पिलर गाड़ के शुरुआत कह दियो शुभारम्भ कह दियो और आपके भी अपनों तो होना चाहिए आपके क्षेत्र में है आपके अहम भूमिका रही कहकर हमें लागत है। वैसे गढ़वा गाँव पालिका के प्रमुख भी बोल चुके हैं, वैसे राजपुर के प्रमुख जना है लेकिन उप प्रमुख आए हैं। हमें लागत है कि सबके साझा संपत्ति हो सभी अहमान उतना है सबके दायित्व है और सभी आका सहयोग करी हैं और निश्चित रूप में हम यदुवंशी लोगों के जो चाहना और भावना है हम लोगों संभावना जो बोके हैं वो एड के लोगों साथ में हॉस्टे में ऐसे करते चला जाए तो निश्चित रूप में यहाँ हम लोगों की कल्पना पूरा हुई। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय बाकी अब बोले दफा में तो जात ये नाते हम लोगों भावना विपरीत सकमत लागत है। हमें नगर पालिका प्रमुख नहीं है और न जो यहाँ पर अपने अभिव्यक्ति भी दिया है ये नाते हम लोगों ने भावना के साथ वह लोग भावना अपन समर्पित किए हैं जनाए हैं संभावना के यहाँ बुझे हैं ये नाते उन्हें भी अंतर आत्मा से हृदय से यादव समाज सेवा संघ संपूर्ण बिरादरी बंधु के तरफ से अंतर आत्मा से उन लोगों के यहाँ नेतृत्व पंक्ति के यहाँ धन्यवाद देते हैं और ये मंदिर के यहाँ शुभकामना देते हैं। आज के दुई शब्द यही अंत करित है। धन्यवाद सबका नमस्कार सब धन्यवाद धन्यवाद। पद्मनाभ श्री विष्णु भगवान कृष्ण को रूप में द्वापर में जन्म में नेपाली में शुरू करें फिर अवधि में ले जान्छु जो जन्म लिहन तो आज कृष्ण जी के यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष में ये पावन समय में हम कृष्ण जन्मी अष्टमी के उपलक्ष में हैं। यहाँ संपूर्ण लोगन के हैं मंगलमय शुभकामना और बधाई दिया चाहिए। धन्यवाद आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय प्रमुख अतिथि जीव गढ़वा गाँव पालिका राजपुर गाँव पालिका लमही गाँव पालिका का प्रमुख तथा गीतांजलि श्री इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स कांची रोड लमही दाम हामी कहाँ 10 वर्ष गारंटी का स्विच हरु 18 महीने गारंटी भएका यूरोपियन स्टैंडर्ड का बल्ब हरु 1 वर्ष गारंटी का कलर तथा सादा पैनल लाइट हरु पाउनु को साथै घर वायरिंग संबंधी संपूर्ण सामान हरु सुपथ मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ। राप्ती अंचल का लागि ईस्ट वेस्ट र इवर ब्राइट लाइट को आधिकारिक डीलर भएको हुँदा होलसेल को पनि व्यवस्था भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ। प्रोप्राइटर बसंतराज अधिकारी मोबाइल 9841867856। हरेक प्रकार का दीर्घ रोग को उपचार अब गुरास हॉस्पिटल में हजुर 5 नंबर प्रदेश में पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा फिजियोथेरापी रिहैबिलिटेशन योगा माटो पानी तथा अन्य औषधि विहीन उपचार पद्धति बाट हाड़ जोर्नी नसा छाला पेट स्त्री नाक कान घाटी लगायत का दीर्घ रोग को उपचार गरिन्छ। गैरीखेत पनि हजुरकै उपचारमा सकियो 20-19 भएन धन्न गुरास हस्पिटलमा आएछ आमाको रोग जति सबै छ हो बाबु मलाई त छ्याङ्ग भयो गुरास हस्पिटलमा आएछ त लैनिस त अब घर। सम्पर्क गुरास हस्पिटल प्राली बोटल 12 ढभा रूपन्देही फोन 071-422-039 98-75-72-919 होटल इवर लेन भालुवाङ बजार देखि 200 मीटर अगाडि बुटोल जाने रोड भालुवाङ देवखरी दाङ राप्ती नदी को काखमा अवस्थित स्वच्छ तथा पारिवारिक वातावरण भएको एकमात्र होटल। रेस्टुरेंट का सुविधाहरु नेपाली चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन परिकार का खाना स्थानीय परिकार राप्ती को माछा बदिया लोकल कुखुरा ढिडो साथै अन्य खानेकुराहरु लज का सुविधाहरु एसी नॉन एसी रूम एटेच टॉयलेट बाथरूम स्टैंडर्ड बेड को व्यवस्था इंटरनेट र वाईफाई को सुविधा हॉट एंड कोल्ड वाटर साथै बिहा पूजा पार्टी सेमिनार गोष्ठी का लागि 100 देखि 500 सम्म मानिसहरुको क्षमता भएको हल को व्यवस्था गरिएको छ। एक
सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आफै पाल्नु हुनेछ। होटल इवरल्यान्ड भालुबाङ देउखरी दाङ। सम्पर्क 0825801175, मोबाइल 9855094135 र 9849713089। वेबसाइट www.everlandhotel.com। होटल फ्रान्सकिना एन्ड लज गढुवा पेट्रोल पम्पको ठिक पछाडि गढुवा देउखरी दाङ दक्षिण देउखरीकै सुन्दर नगरी गढुवा बजारमा तपाईँहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट एन्ड लज खुलेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा विशेषताहरू एसी रुम, डिलक्स रूम, अटैच बाथरूम, नॉर्मल रूम, शांत र पारिवारिक वातावरण भएको स्वदेशी र विदेशी अर्ग्यानिक खाना र नास्ताको परिकार उपलब्ध गराइने हुक्का बार, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक को सुविधा, सेमिनार हल एलोंग विथ बर्थडे मैरिज पार्टीज रूम, देउखरी भ्यालीकै सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य भएको सुविधा सम्पन्न होटल होटल फ्रान्सकिना एन्ड लज गढुवा पेट्रोल पम्पको ठिक पछाडि गढुवा देउखरी दाम। होटल सञ्चालक बाबुराम भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 0821400087, मोबाइल 9905956514 र 9849273333। जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहिदा। विगत 21 वर्षदेखि विभिन्न व्यापारमा सफलता हासिल गर्दै आइरहेकोमा थप नयाँ व्यवस्थापनका साथ दाङ जिल्लामै पहिलो पटक उत्कृष्ट सुनचाँदी पसल अब तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमई बजारमा। हाम्रा विशेषताहरू 24 क्यारेट बिना रसायनको गहना पसल, विभिन्न नयाँ तथा पुराना डिजाइनका गरगहना खरिद बिक्री साथै सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर गणेश जयसवाल, जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहिदान। सम्पर्क 0825407787। जीवन गार्मेन्ट उद्योग लमही नगरपालिका 5 कान्छी रोड लमहिदान। विगत 10 वर्षदेखि सेवा सुविधा दिँदै आएको यस गार्मेन्ट उद्योगमा संघ संस्थाका लागि टी शर्ट, खेलकुद ड्रेस, हाइनेक, ट्राउजर, ट्र्याकहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा 100 पिस टी शर्ट एक दिनमा तयार गरिन्छ। सञ्चालक थम्मन घिमिरे, गिरा घिमिरे। मोबाइल 9868464015 र 9802667782। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हाथीढुंगा अर्घाखाँची। हामी कहाँ भूकम्पसँग लड्न सक्ने घर निर्माणका लागि क्रसिप ढुङ्गा, क्रसिप गिट्टी, बालुवा, धुलो, जीरा लगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै माल ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक जयप्रकाश बंशल, पुरुषोत्तम भूषाल, भरतराज न्योपाने। मोबाइल 9857840251। केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हात्तीढुङ्गा अर्घाखाँची। के तपाईँ भूकम्प रहित घर तथा अन्य निर्माण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योगलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ घर ढलाईका लागि ढलाई गिट्टी कर्सिव 1x2 इन्च, ढलाई गिट्टी नेचुरल 1x2 इन्च, धोएको बालुवा, धोएको जीरा, क्रसर जीरा, क्रसर गिट्टी, क्रस धुलो लगायत अन्य निर्माणका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ। ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योग गोबडिया एक दाङ। अफिस फोन नम्बर 9844906032 र 9755500997। श्री लक्ष्मी एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग गढुवा गाउँपालिका 1 जेठान गाउँ देउखरी दाङ। हामी कहाँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक विकास निर्माणका लागि
वास बालुवा, नेचुरल गिट्टी 3x4 इन्च, सोलिङ ढुङ्गा, जिरा प्लस्टर बालुवा, धोएको जिरा, क्रसर गिट्टी, धोएको धुलो लगायत सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरिन्छ। अर्डर अनुसार माल ढुवानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। एकाउन्टेन्ट बसन्त डाङ्गी, मोबाइल 9822281826, म्यानेजर सरोज चौधरी, मोबाइल 9808936150, सञ्चालक शङ्करनाथ योगी, मोबाइल 9803136076। तो एकरे बाद में यहाँ अब मामा कहाँ गए, गौन लावे, गौन लाए के आवते आवत रास्ते में से वो हराई गए, चली गए वो। अब और वो कन्हैया में जाई, मामी सवरी आई, रिहार रहे लागी, भाई ने परसुआ रहे लागे। और यही क्रम में यहाँ का भय कि विश्वामित्र के तपस्या भंग करे के लिए देवता लोग मेनका परी कहाँ पठाई नहा, तो उनका तपस्या भंग किहीन और उनसे एक संतति भय जो ने के नाम शकुंतला रहा, जो महाभारत में के गाथा में है, महाराजा दुष्यंत से ब्याह भा। और वही से विश्वामित्र जी श्राप दे दिन कि जाओ तुम्हें घोड़ी की यौन बिताओ परी, तो घोड़ी आए के यहीं पर रहते ही रिहार में है और सुकौरा। और यहाँ पर यदुवंशी आए, इससे पहले दांग के राजा दंगी शरण दांग में रहे, तो घोड़ी कहें वो अपने एरिया में देख के यहाँ के राजा रहे, तो कहें हमार हो घोड़ी। घोड़ी कुछ काल के समय जब देवखर में चली आए रिहार में रहे लाग, तो यदुवंशी लोग कहें कि हमार हो, तो वही में झगड़ा का भा घोड़ी कहें, वो लोग आए खेद है, अहि लोग ज़्यादा रहे दबंग रहे, तो उनका चहट दिन। एक बार राजा हुआ वो अपन सेना पठाईस और इनका गाय और घोड़ी समेत लेकर चला गया। वही के निर्णय करे के लिए कृष्ण भगवान यहाँ पर आए और वो का विश्वामित्र जी कहीं ना तुहार उद्धार जब हुई, जब कृष्ण भगवान के दर्शन पर ही हो, तो वो दर्शन पाई जैसे घोड़ी वो मेनका परी के रूप में उड़ के चल दी। चल दी तो थारू समुदाय कहे लगे कि हमार घोड़िया तो जनिवा बन गई, जनिवा बन गई। तो कहीस कि जाओ हमार मूर्ति बनाए के अपने अंगना में हाँ पूजा की हो, तो तहाँ धन पुत्र के बढ़ोतरी हुई, का आशीर्वाद देकर चले गए। आज भी दंगौरा थारू जहाँ जात हैं तहाँ पर अंगना में एक घोड़ी की मूर्ति पूजा जात है। तो एक बाद में मामी सवरी कृष्ण भगवान कहें दही दूध के भोग कराई, एकरे बाद वो उनका आशीर्वाद देन कि जाओ तो जुगो जुग पूजी जी हो। और एक बाद मामा रसोली जहाँ चले गए रहा, उन्होंने कहें हेर के लाए के कृष्ण भगवान, तो अपना चले गए। फिर उनका अंतिम रहा लीला समाप्त करके 120 वर्ष के बाद मैं लोग छोड़े रहा। और यहाँ पर कहा भा कि वही समय पर वो भौरी खा जाते हैं, तो वहाँ पर चार ठो भौरी रहा, ऊपर एक छोटे मक्खी बैठ गए, तो भौरी कहेगा दिन कहीं कि कलयुग मने मनो कलयुग आएगा, ये मक्खी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, मक्खी बैठ गए। इसके बाद इतना चरहा रहा, इतना घास रहा, लेकिन एक ठो गाय गंदा खाए लाग, तो कहें कि देखो गाय का अंदर। और वही यदुवंशी में है एक ठो कन्या रही, तो अपने बूते मुंह खोल के पहले माँ बाप जहाँ ब्याह देते हैं तहाँ जाते हैं, लेकिन वो कहे कि हम फलानो इस ब्याह करी हो तो जाब, नहीं तो हम जाबे न करबे। तो कहें कि अब कन्या बर मांगे गाय गंदा खाए और भोजन पर मक्खी बैठ गए, तो कलयुग नहराया हुआ। अब ब्याह का भोरी वो जो मक्खी बैठ के रही, तो यही भोरी कहा जाता है। और छूट गया और तीन भोरी खा के सब लोग तपस्या करे के लिए लीन हो गए। और मामा रसोली भर पता ना, लेकिन उनके कहीं मंदिर नहीं रहा। तो ये संबंध में यहाँ पर का भय कि जब यादव लोग यहाँ से पलायन भय, दक्ष राप्ती या का अहरावती कहा जाता है, अब राप्ती भय है, दक्षिण के तरफ यादव लोग चले गए। तो जब गाय इनके चली गई रहा सुकौरा कहाँ, और जब मेल मिलाप होगा तो थारू लोगन से राजा से कहें कि ये गाय इनके दे दो, तो अहिर लोग अपन गाय लाए, तो वो कहें हमार गाय यहीं चली गए, तो कहें अपन गाय हिगार ले जाओ। तो वो जब हिगारे कहें तो वो नीच नीच छाँट छाँट लेंगे। अब छाँट छाँट लेंगे तो का भवा कि वो हुआ रात कहें रुकबे नहीं करें, नोना पानी पियत ही भाग के ही आवे। तो वही चीज़ से पहले रिहार में है उद्गम स्थल अहिर के हुए, रसोली के हुए, बहने बरतुआ मामी सवरी हुए, और बाद में है थारू लोग भी आए के रहे लगे कि गैया वहाँ नहीं रुकता यहीं है रहा। तो थारू अहिर के यहाँ पर संगम भय, और जहाँ पत्थर पर अहिर लोग दूध चारू चढ़ाते हैं वहाँ पर वो लोग भेड़ा के पूजा करे लगे। तो भेड़ा पूजा आज भी बगारो है अपने घर घर गाड़े हैं, अगर साल भर में यहाँ न पहुँच पाए तो अपने घर में ही भेड़ा काटा था। अब यही पवित्र उद्देश्य से यादव लोग सब चले गए, दूर दूर चले गए, लेकिन साल भरे में एक दफे अपने पुरखा के उद्गम स्थल जन्म स्थान पर यानी यहाँ पर आए के साल भर में टिकरी आज भी चढ़ावत हैं, मनौती करत हैं। मनौती करके वह कहाँ तक कहरा जाए कि कोई पुत्र मांगा तो पावा है, कोई गाय भैंस पावा तो मांगा भाई पाई से। ये हिसाब से ये यादव लोगन के यहाँ पर ये
ये कार्यक्रम का सभाध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि, प्रदेश सभा का सदस्य मंत्री, लमही नगर पालिका का प्रमुख जी, गढ़वा गांव पालिका का अध्यक्ष जी, संपूर्ण देश में आसन ग्रहण करल के अतिथि जी लोग, संपूर्ण यहाँ उपस्थित होल के वड़ा अध्यक्ष जी लगाए, यहाँ उपस्थित होल के पुजारी जी, यहाँ उपस्थित होल के संपूर्ण बुद्धिजीवी अग्रज दाजू भाई तथा दादा बहनी लोग, हम लोग एक ठो मंदिर के शिलान्यास करे के लिए वही मेरे के हल्ला सुन के हम यहाँ उपस्थित बहन रहा, और आज अब फिर यहाँ बात सुनते जाते फिर में मंदिर के शिलान्यास न हो के जस बात सुनी थन, मास्टर प्लान बना है कह के नगर पालिका के मेयर जी बखरे कहा थे, वो मास्टर प्लान के भीतर बहने परसों से लेके ये बिहार में ही भीतर हमारे लोगों के कृष्ण मंदिर फिर शिलान्यास हो ही चाहिए, हमारे लोगों के जनता के मांग भी वहाँ है, ये वजह से हम आप लोगों के हैं वो मास्टर प्लान के भीतर बखरे अध्यक्ष जी फिर जानकारी कराई, उनके फिर धेरे सोच है वहाँ के भीतर कार्यक्रम रव मंदिर और संरचना तैयार करे गई है, वही हिसाब से लमही नगर पालिका के मेयर जी का फिर हम कहा चाहिए थे हम लोगों का ये प्लान जो है अब से तैयारी भाई हम लोगों के जो महायज्ञ कह के जो कुछ बजट उठा है वो का बहने परसु के लगा कि धारा के झिचोई में ठीने हम लोगों के शिलान्यास करे के लिए व्यवस्था हो ही पड़ा ओके व्यवस्था करे के लिए हमें लागत है मेयर जी भी तैयारी करें, ये जो दिखावत है हम तो उतना खासे विज्ञ तो ना ही ताकि जो बिढ़ार वहाँ दिखावत है बिढ़ार में हो सकते हैं और मंदिर दक्षिण उत्तर हो जाए बाकी हम लोगों के कृष्ण मंदिर उत्तरे साइड में पड़े कहते अपन दुई शब्द यहाँ अंत करते हैं हस्त धन्यवाद नमस्कार जी र सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मैले खुसी सम्बोधन गरेँ र उपस्थित महानुभावहरू यो यादव समाज सेवा सङ्घले यस पवित्र स्थलमा जुन राधाकृष्ण मन्दिर बनाउने सोच सकारात्मक सोच लिनुभएको छ त्यसमा हाम्रो वडाको तर्फबाट पनि हामीले गर्न सक्ने सहयोग त्यसमा हामी सकारात्मक सोच साथ रहनेछौँ र म वडाको तर्फबाट त्यति मै सबै वडा अध्यक्षको साथीहरूको तर्फबाट पनि बोले यसमा सबै वडा साथीहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्छ यसको लागि र म वडाको बाट भन्दा पनि अब मेरो स्वयं नगर प्रमुख यही हुनुहुन्छ नगर प्रमुखले यसबारेमा अझ योभन्दा पनि बढी अब बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि माननीय सभासद रेवती रमन शर्माज्यू लमही नगरपालिकाका प्रमुखज्यू गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू त्यसै गरी ब्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सर्वप्रथम त यस बगरबाबा धार्मिक विकास क्षेत्रको विकासको लागि माननीय सांसदज्यूले बिहारको पूर्वाधार विकासको लागि यस ठाउँमा सबैभन्दा ठुलो रकम अहिलेसम्मकै ठुलो रकम 50 लाख उपलब्ध गराउनु भएको छ मा उहाँलाई यो धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले माननीय सांसदज्यूलाई तालीले स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु साथै यस धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरिदिनुहुन्छ माननीय सांसदज्यूले भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र राधाकृष्ण मन्दिर बनाउने विषयमा यो जुन चाहिँ मास्टर प्लानले अवरोध पुर्याउँछ कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले मास्टर प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि मास्टर प्लान बनाउने इन्जिनियरलाई मैले चाहिँ मेयरज्यू हुँदै हुनुहुन्थ्यो र मैले त्यो ठाउँ खाली गर्नुपर्छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे हामीले यो जुन यो राधाकृष्ण मन्दिर बनाउने छ त्यहाँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो राधाकृष्ण मन्दिर बन्ने छ र त्यस मन्दिरमा भित्रै करिब 2,250 मान्छे अट्ने सत्सङ्ग गर्ने स्थान पनि हुनेछ र विवाह मण्डप लगायत चाहिँ धर्मशाला अतिथिगृह त्यसै गरी चाहिँ पार्कहरू गाडी ग्यारेज गर्ने गाडी पार्किङहरू लगायतका चाहिँ के अरे कामहरू हुनेछन् र नेपालमै ठुलो बनाउने कार्यक्रम रहेको छ त्यही अनुसार चाहिँ मास्टर प्लानमा त्यो ठाउँ खाली राखिदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ त्यही अनुसार मास्टर प्लान बन्छ होला बनेको थिएन पहिले त्यतिखेरसम्म र त्यसै त्यो धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा राधाकृष्ण मन्दिर बनाउने विषयमा
खासै विवाद होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब यो यहाँको विकासको लागि अहिले हाम्रा नेताजीहरू आउनु भएको छ, यसै लमही नगरपालिकाका अध्यक्ष मेयरजी हुनुहुन्छ र उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ किन भन्दाखेरि यसै ठाउँको मेयर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र यहाँको मास्टर प्लान गराउनको लागि गत वर्ष 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो र त्यसैबाट मास्टर प्लान गराउने कार्य भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि थप केही कार्यक्रमहरू गर्दै यस ठाउँको विकास गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा एवं विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँ यो यादव समाजको राधाकृष्ण मन्दिर नेपालमै सबैभन्दा ठुलो, हामीले यो कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर जसरी दाङ जिल्लाका जति पनि राधा कृष्णका भक्तहरू हुनुहुन्छ, चाहे घोराई होस्, चाहे तुलसीपुर होस्, चाहे कपिल वस्तु, चाहे नेपालगञ्जको पनि कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा मेला लाग्ने, भिड लाग्ने किसिमले भव्य मन्दिर बनाउन सक्यौँ भने यसको महत्त्व अझ हुनेछ। किन भन्दाखेरि हरिदास महाराजले के भन्छन् काठमाडौँ श्यामा श्यामा धाममा जुन राधाकृष्णको मन्दिर बनाउनु भएको छ त्यहाँ सभामुख पनि जानुभएको छ, माननीय मन्त्रीहरू पनि जानुभएको छ आज राधाकृष्णको जन्माष्टमीको अवसरमा। त्यस्तो अवसर माननीय सांसदज्यूलाई पनि यहाँ यो राधाकृष्ण मन्दिरमा मिलोस् भन्दै माननीय सांसदज्यूले आगामी दिनमा त्यस मन्दिर बनाउनलाई पनि हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि बढ्ता सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो तहबाट सहयोग गर्नुहुनेछ र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूले पनि आफ्नो सक्दो हिसाबले सहयोग गर्नु, सबैको सहयोगले यस ठाउँको विकास हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास राख्दै मेरा दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद गऱ्यौँ। यहाँको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने 5 करोड त म कम्ती पनि हाल्छु भन्नुभएको छ। मैले 5 करोड होइन, मैले भन्ने बेला उहाँसँग 10-15 करोड रुपियाँ हाल्नुपर्छ त्यसको त्यसको मास्टर प्लान, त्यसको त्यो पेन ड्राइभसँग मैले उहाँलाई बुझाएको छु। उहाँलाई देखाइसकेपछि वा नगरपालिकाको सबै इन्कम स्रोत एउटा के अरे रेहारले मात्रै दिन सक्छ भनेर उहाँ प्रसन्न हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ 5-10 करोडसम्म अहिलेको बजेटमा उहाँहरूले हाल्नुहुन्छ। पहिले अलि पहिले गएको भए धेरै पैसा पर्दो रहेछ, हामी पनि समयमा जान सकेनौँ, त्यसका निम्ति त्यो नेतृत्वको तर्फबाट म एक्सक्युज गर्न तयार छु। तर के हो भने हामी यो के अरे रेहारलाई एउटा व्यवस्थित खालको धार्मिक स्थल बनाउन चाहन्छौँ। यसको महिमा कृष्ण मन्दिरको आफ्नै किसिमको महिमा छ, बागर बाबा मन्दिरको आफ्नै किसिमको ऊ छ, के अरे हाम्रो के अरे अरू मन्दिरहरू पुण्यहरू निर्माण गर्ने कुराहरू छन्, सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने, यहाँ आएका पर्यटकहरूलाई बस्ने ठाउँ खाने ठाउँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा यो ठाउँबाट धेरै मतलब विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने र धेरै आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले लमही नगरपालिकाले यसलाई पहिचान गरेर यो लमही नगरपालिकाको मात्रै होइन सिंह राष्ट्रको एउटा गौरवको स्थान बनाउनका निम्ति हामी तयार छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले कृष्ण मन्दिर स्थापना गर्न दिनका निम्ति नगरपालिकाले दिन्न कि भन्ने कुरा खालको कुरा गर्नुभयो, त्यो दिनेर लिने कुरा छैन। हामी बनाउँदाखेरि कुन ठाउँमा बनाउँदा व्यवस्थित हुन्छ, यो प्लानलाई डिस्टर्ब हुँदैन त्यो खालको ढङ्गको उच्च सोचका साथ हामी सबै लाग्नपर्छ। यो मन्दिर बनाउनका निम्ति तपाईँहरूको पैसाले पर्याप्त नहुन सक्छ, त्यो पैसा जुगाड लगाउने ठाउँ कहाँ हो के हो? मैले नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुखका हैसियतले मैले गर्नुपर्ने भूमिका म निर्वाह गर्न तयार छु। त्यसै गरी गढवा गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिकाले पनि गर्नुहुन्छ। यो लमहीको मात्रै होइन, यो सिङ्गो देउखरी मात्रै होइन, मैले अघि भनिरहेको छु, एउटा नेपालको एउटा पर्यटकीय स्थल तीर्थस्थलका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। अहिले लुम्बिनी हाम्रो मात्रै हो भनेर त्यो सङ्कुचित छ र हामीले गर्व गरिरहेका छौँ लुम्बिनी हाम्रो हो भनेर, लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल हाम्रो हो भनेर हामीले गर्व गरिरहेका छौँ। हामीले के पाछौँ? त्यो त टाढा छ नि। त्यस्तै यो रिहार पनि नेपाली सिङ्गो नेपालीहरूले हाम्रो हो भन्ने भावना हामी जगाउन सक्नुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी त्यही ढङ्गले लाग्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, आज मन्दिर बनाउने ठाउँ कानेर सिका भन्नुभयो भने म प्राविधिक मान्छे होइन, मास्टर प्लान छ, त्यसका निम्ति तपाईँहरूले पहिल्यै सम्पर्क गरे भए म अमिल ल्याउँथेँ, इन्जिनियर ल्याउँथेँ र उहाँलाई त्यो नापेर यो ठाउँमा यो ठाउँमा हो भनेर देखाइन्थ्यो। 3 मन्दिरहरू स्थापना गरेका छ, जो मन्दिर त्यो मास्टर प्लानमा कस्तो छ भने खुला चौर छ, त्यसमा इँटा बिछाइएको छ, त्यसमा व्यवस्थित खालका 3 मन्दिर छन्। जसरी हनुमान ढोका दरबार छ, त्यसको वरिपरि भागमा इँटा बिछाइएर खुल्ला गराइएको छ। यो तपाईँहरूले किन सोधिदिनु होला भने मन्दिर बनाएर कम्पाउन्ड लगाएर हामी छुट्टै ताल लगाएर बसाल्छौँ कि? त्यस्तो होइन, यसलाई खुल्ला ढङ्गले
सबैले यसको यसको पुरै कम्पाउन्ड लगाउने खालको बनाउला, कहाँ कहाँ कम्पाउन्ड लगाउनुपर्छ त्यो लगाउँला, तर के हो भने यो मास्टर प्लानलाई डिस्टर्ब नहुने गरी तपाईँहरू सबै साथीहरू लाग्नुपर्छ, म लाग्नुपर्छ, तपाईँ लाग्नुपर्छ, धार्मिक समिति लाग्नुपर्छ, सबै लाग्यौँ भने मात्र यो रिहारको एउटा औचित्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ, यसको महिमालाई सबै ठाउँ सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ। जति धेरै मान्छे आए, धेरै मान्छेले अवलोकन गरे, यसको महिमा त्यही ढङ्गले सम्प्रेषण हुने गर्छ। हामीमा मात्रै सङ्कुचित भयो, मान्छे आउने वातावरण बनेन भने जतिसुकै महत्त्वको भए पनि, जतिसुकै के अरे महिमा यसको भए पनि त्यसको उजागर गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यस कारणले हामी सबै मिलेर एउटा रिहारलाई हामी एउटा रिहार बनाऊँ, यो राष्ट्रव्यापी रूपमा चिनिने रिहार बनाऊँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। लमही नगरपालिकाको तर्फबाट मैले सहयोग होइन, म त्यसको निम्ति नेतृत्व गर्नका निम्ति म कहाँ पुग्नुपर्छ, रात दिन के कहाँ खट्नुपर्छ, त्यो खटेर मेरो कार्यकालभित्र यो मास्टर प्लान बमोजिमका सबै संरचनाहरू सम्पन्न गर्ने मैले सपना देखेको छु। यो डाँडामा भ्यू टावरको व्यवस्था छ, यो पाहाडभन्दा उतातिरबाट बाटो निकालेर त्यसको सबै चिजको व्यवस्थापन गरिएको छ। यो यहीँनिरको एक दुईवटा मन्दिरका मात्रै समस्या छ कि भन्ने होला, त्यो छैन। तपाईँहरू हेर्नुभयो भने कोही टाढा कोही नजिक देखिँदैन, त्यस कारणले यसको व्यवस्थित मास्टर प्लान छ। म तपाईँहरूले अनुकूल पर्छ भने यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो भने म पेन ड्राइभसहित तपाईँहरूलाई देखाउने गरी, भिजुअल देखाउने गरी तपाईँहरूले हेर्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँहरू आफै भन्नुहुनेछ ल हामीले हामीलाई देखाएको ठाउँ उपयुक्त ठाउँ छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ तपाईँहरूलाई काँती लागेको छ, मैले काँती बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। मैले एउटा मन्दिर मात्र होइन, यो परिसरभित्र भएका सबै मन्दिरहरूको मास्टर प्लान बमोजिम बनाउनुपर्छ। अब यसको आकार प्रकार त्यो मास्टर प्लानमा यसको मौलिकता नबिग्रिने गरी यसलाई आकर्षण कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो आकारको मन्दिर बनाउने, त्यस्तो आकारको मन्दिर बनाउने, अब यहाँ बनाउँदाखेरि आफ्नो मल्ला ढङ्गले नबनाउने, हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा यसको महिमा, यसको महत्त्व, यसको इन्कम स्रोत त्यही ढङ्गको बढ्ने भएको कारणले सबै साथीहरू पोजिटिभ ढङ्गले यो राधाकृष्ण मन्दिर बनाउने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। यो राधाकृष्ण मन्दिर मात्रै होइन, यो रिहारको महत्त्व बढाउनका निम्ति हाम्रा यी पाइलाहरू निरन्तर चलिरहनुपर्छ, एक दिन गरेर सकिने होइन। हामीले निरन्तर खट्ने मान्छे लामो परिश्रम गर्यो भने बल्ल परिणाम आउँछ। एउटा यदि या दहीलाई मत्नु भयो भने, एक डेढ घन्टा मत्नु भयो भने बल्ल यति नौनी निक्लिने हो। त्यस कारणले हामीले परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने कुरालाई निरन्तर गरिरहँ, गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा यसको विकास, यसको प्रचार प्रसार, यसको के अरे स्तर उन्नतिको कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै, म आज प्राविधिक रूपले कानेर कति सम्भव हुन्छ, आज सिकाएको ठाउँमा भोलि ठ्याक्कै त्यहाँनिर हुन्छ कि हुन्न, भोलि फेरि यहाँनिर सिकाओस् यहाँ किन भएन भन्ने कुरा तपाईँहरूबाट हुनसक्छ। त्यस्तो कुरालाई नराखेर राधाकृष्ण मन्दिर बन्छ, यो रिहार के अरे परिसरभित्र बन्छ, त्यो व्यवस्थित ठाउँमा बन्छ, त्यो कुरै टाढा र नजिकको कुरा होइन। अहिले यहाँ केही बनाएको छैन र टाढा देखिन्छ। म तपाईँहरूलाई उदाहरणका निम्ति बताउँ, घोराईमा त्यो गोर्खा बोर्डिङ स्थापना गर्ने बेला बजार एक ठाउँ थियो, वर जङ्गलमा बनाए जस्तो लाग्थ्यो, अहिले गोर्खा बोर्डिङ कहीँ कुनै टाढा छैन, त्यो जोडिया छ। त्यस्तै हाम्रा यही सबै संरचना बने भने त्यो मन्दिरभन्दा अलिक तलतिर जाला माथितिर जाला त्यो टाढा कुरा सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन पवित्र उत्साहका साथ, पवित्र मनका साथ, जुन उत्साह जोस जाँगरका साथ मन्दिर बनाउनका निम्ति तयार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मन्दिर के अरे प्रस्तावित गरेको ठाउँमा मन्दिर बनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा धर्मशाला नहुनसक्छ, धर्मशालाका पनि प्रस्तावित गरेका छौँ, कहाँ कहाँ धर्मशाला बनाउने, कहाँ कहाँ पोखरीहरू बनाउने, पोखरी फेरि एउटा पोखरी यहाँ एउटा पोखरी, त्यसो होइन त्यसको पनि प्लान छ, तलैसम्म गएको छ यसको पोखरी, त्यो पोखरीले त्यसलाई काम गर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो मास्टर प्लान बमोजिम तपाईँहरू लाग्दिनुहोस्। अनि अझ तपाईँहरूसँग विज्ञ मैले सरले अघि धेरै कुरा राख्नु भएको छ, त्यो मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि उहाँसँग पनि हामीले अलिअलि कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने छ, हामी वास्तवमा त्यतिखेर त्यो गर्न सकेनौँ। अझै पनि उहाँसँग राखेर मैले यसको महिमा बढाउनका निम्ति यसलाई आवश्यक पर्ने राधाकृष्ण मन्दिरलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू के हुनसक्छन्, त्यो कहाँ कहाँ सुटेबल हुनसक्छ, त्यसका निम्ति पनि फेरि पुनर्विचार गर्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै, लमही नगरपालिका यो के अरे रिहारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा, यसको महिमा बढाउने, यसको धा पौराणिक महत्त्वका महत्त्वलाई बचाइराख्नका निम्ति सधैँ होसियार छ, तयार छ भन्ने कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्दै, तपाईँहरूको उत्साह उमङ्गमा कति पनि कमी नहोस्, यो मन्दिरलाई बनाउने कुरामा तपाईँहरूको जोस जाँगर रहोस्। अब जहाँसम्म अहिले पिलर गाड्ने कुरा छ, मैले फेरि पनि भनिरहेँ, अहिले सिकाएको ठाउँमा तलमाथि हुनसक्छ हुनसक्छ, तपाईँहरूले पिलर गाड्ने भन्नुहुन्छ नि, मलाई लाग्छ यही साइडमा, यही बाटाको साइडमा तलतिर यो तिनवटा मन्दिरहरू लगतै राखिया छ, प्रपोज गरेछ, त्यसमा एउटा राधाकृष्ण मन्दिर हो, त्यो के अरे मिटरले तलमाथि हुनसक्छ, दायाँ बायाँ हुनसक्छ, टाढा जाँदैन,
त्यसको सेरोफेरोमा हुन्छ। अब त्यहीँनिर पिलर गाड्ने अहिले भन्नुहुन्छ भने पनि गरौँ, होइन भने लोकेसन यही हो भनेर आफ्नो मनस्थिति बनाउनुहुन्छ भने पनि गरौँ। तर के हो भने पिलर गाडिसकेपछि त्यहीँनिर बनाउँदा राम्रो हुन्छ, अहिले पिलर गाड्ने भोलि फेरि सार्नु पऱ्यो भने त्यो त्यति नमजा होला भन्ने लागेर मैले अब लोकेसन मात्रै यही वरपरि हो भन्ने ढङ्गले बुझा बस त्यो गरौँ। त्यसपछि मेलाका भागहरू राखेका छन् यहाँनिर, त्यसपछि त्यहाँ तल गएर त्यो पुग्छन् अजम्बन दर्शकबिन बिहारमा राधाकृष्ण मन्दिर निर्माणको लागि जुन जग्गाको बााउन्ड्रीको शिलान्यास गर्नको लागि आज पिलर गाड्ने भन्ने कुरा अलिकति हामी चाहिँ त्यो सूचना पाएका छौँ र यतिखेर सबै पाँच नम्बर प्रदेशका सांसद आदरणीय व्यक्तित्व अर्थात् माननीय सांसद देवती रमन शर्मा पनि आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, त्यसै गरी लम्बिनी नगरपालिकाको प्रमुख श्री कुलबहादुर केसीज्यू, त्यसै गरी गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख साडाराम यादवज्यू र सहजराम यादव हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजपुर गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनपति यादव पनि आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न वार्ड पालिकाका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्व दशरथ घिमिरेज्यू, लम्बिनी नगरपालिकाका प्रेस संयोजक शिव खनाल, त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तित्वको आज उपस्थिति ठुलो उपस्थिति रहेको छ। जसरी हामी यहाँलाई दृश्य पहिले देखाइरहेका छौँ, त्यतिकै गढवा गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक शिवराज पन्तीजी पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै प्रेस टुडे देवपुरीका संयोजक स्मृति गजमेर र प्रहरी चौकी रिहारबाट पनि आजको यो कार्यक्रमलाई सुरक्षाको ठुलो व्यवस्था एकदम उचित व्यवस्था भएको छ। आज यादव समाज सेवा सङ्घको पहलमा यहाँ लम्बिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रिहार धाममा यहाँ राधाकृष्ण मन्दिरकै पर्खाल शिलान्यास कार्यक्रम कैदेकर्ती आजको प्रमुख अतिथि पाँच नम्बर प्रदेशको सभासद माननीय रेवती रमन शर्माज्यूका विधिवत रूपमा यहाँ लम्बिनी नगरपालिकाका प्रमुख र गढवा गाउँपालिकाका विधिवत उद्घाटन हो एसईई उत्कृष्ट विद्यार्थी लोकका पुरस्कार सौजन्य करै वाले मल्टी टेक्निकल कलेज भराई तांके बसन्त यादव जीका आसन ग्रहण के मन रोक ओसे कह के आज के कार्यक्रम हम लोग के प्रखाल शिलान्यास कार्यक्रम रहा। आज के प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 5 के सभासद माननीय देवती रमन शर्मा से शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है और आज के कार्यक्रम में यहाँ हम गत वर्ष यादव विद्यार्थी संघ के कार्यक्रम में यहाँ पुरस्कार वितरण करे छुटल बोलू भन्दा पहिले के कुरा राख्छु अनुरोध के छ
दोस्रो पुरस्कार सुमित्रा यादव गढवा पाँच बाँकी के हैं, उनके प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धी सुमित्रा यादव के पुरस्कार लीजिए है। वैसे तेसरो पुरस्कार दीपा यादव गढ़वा पाँच खजरोटा के कोई करे दीपा यादव आए तो दीपा यादव अथवा वहाँ के प्रतिनिधि आकर ये पुरस्कार ले जाए हम लोग के थे। यदि कार्यालय में सुरक्षित है वैसे ऐसी ई में यहाँ उत्तीर्ण विद्यार्थी लोग का पुरस्कार वितरण करने वाला कार्यक्रम भी है। वैसे जनता मावी गढ़वा से विज्ञान यादव, शंकर मावी खरदरिया से हेमराज यादव, सरस्वती उच्च मावी से पूरन प्रसाद यादव, सरस्वती मावी कृषि से शंकर यादव, साधारण मावी गंगी से बुद्ध ज्योति उमावी के जितेंद्र यादव के यहाँ पुरस्कार लीजिए हम लोग के थे और पुरस्कार वितरण कैसे करती हम रेवती रमन शर्मा जी का अनुरोध करते थे। माननीय सभासद पूरन प्रसाद यादव का भी पुरस्कार लीजिए अनुरोध करते हैं। तो पुरस्कार वितरण कैसे करती है हम आज के प्रमुख अतिथि माननीय सभासद रेवती रमन शर्मा जी का अनुरोध करते हैं। मंदिर निर्माण स्थल में है प्रखाल निर्माण के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अब आज के प्रमुख वक्ता इस कार्यक्रम के प्रमुख अपन मंतव्य रख दे करती हम आज के प्रमुख अतिथि माननीय सभासद पांच नंबर प्रदेश के रेवती रमन शर्मा जी का अपन मंतव्य रख दे करती हार्दिक अनुरोध। किसान को चाहना हाई प्रो कुखुरा को दाना। मध्यपश्चिम को पहिलो अत्याधुनिक र ठूलो उद्योगबाट उत्पादित हाल बजारमा उपलब्ध दानाहरु मध्येमा उच्च गुणस्तर भएको हाइप्रो दाना 3.5 केजी दाना खुवाउँदा 36 दिनमा 2 केजीको कुखुरा हुने ग्यारेन्टी। यस उद्योगले दाना उत्पादन गर्नुको साथै दाङ कपिलवस्तु अर्घाखाँची प्युठान र बाँके जिल्लामा मकै खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। रासायनिक विषादी रहित तरिकाले भण्डारण गरिएको गुणस्तरीय पहिलो रङ्गको मकै यस उद्योगले उचित मूल्यमा खरिद दिने ग्यारेन्टी। राप्ती फिट इंडस्ट्रीज प्राली सतबरिया देवखुरी दाङ संपर्क कार्यालय लमही नगरपालिका 5 रातोडाडा दाङ संपर्क नंबर 082-41-7014 मोबाइल 98013-39-108 नोट विश्वकी डाक्टर को पनि सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। किसान को चाहना हाई प्रो कुखुरा को दाना स्वर्गद्वारी ट्रेडलिंग कांची रोड लमही र घोराही दाङ हामी कहाँ घर उद्योग व्यवसाय विद्यालय का लागि सोलर हीटर चिमनी एसी गीजर तातो पानी को सोलर इन्वर्टर इलेक्ट्रोनिक सोलर भ्याकुम इलेक्ट्रोनिक तातो प्लस चिसो पानी आउने धारा पाउनुको साथै 4,000-40,000 सम्मको वाटर प्युरिफाई थोक तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। केन्ट वाटर प्युरिफाई को आधिकारिक विक्रेता स्वर्गद्वारी ट्रेडलिङ नोट यस स्वर्गद्वारी ट्रेडलिङले घोराही र लमही दुवै ठाउँबाट सेवा दिँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौ। संचालक सुनील पोखरेल मोबाइल 98-578-34-800 माइलस्टोन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड घोराही 15 दाङ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण का लागि हामीलाई सम्झनु होला।
तिमी सँगै जीवन काट्ने इच्छा राखेर छोटो समयमा सफलता कमाउन सफल माइलस्टोन बिल्डर्स प्राली कुराइदाङमा सम्पर्क गरी घर निर्माण गर्नुहोस्। तिमीलाई पाउँछु भनी देवी देउता भाकेर सम्पर्क 9858725055 र 9802761317। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमहीमा सेवा दिदी आएको यस मोती सुन चाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ सोचका साथ तपाईँहरू माझ आइपुग्यो। हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कहाँ ग्राहकको इच्छा अनुसार स्टाइलिस गरगहना दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा निर्माण गरिन्छ। बिना रसायन सुन चाँदीका गरगहना 100% ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण गरिन्छ। साथै गरगहना सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। नोट, हाम्रो शाखा पसलहरू शाह मार्ग लमही र भालुवाङ पुलचोक प्युठान रोल्पा जाने बाटोमा पनि खुलेर सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिँदै आइरहेकाले उक्त पसलहरूबाट पनि सुन चाँदी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क 0825405500 मोती सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमही दाङ। न्यू जय गुरुदेव फर्निचर शोरूम लमही नगरपालिका 5 कान्छी रोड लमही दाङ। हामी कहाँ अर्डर अनुसार वान पिस दराज, बक्स पलङ, लो बेड, सोफा सेट, डाइनिङ टेबल तथा किचन डेकोरेसन का सामानहरू पाउनुको साथै रेडिमेड सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। नोट, 50,000 भन्दा माथिको सामान लानेलाई घरसम्म ढुवानीको व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक सूर्यनारायण चौधरी, मोबाइल 9847183888, 9812872277। नोट, यस फर्निचरको कारखाना गडुवा घोराहामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। न्यू जय गुरुदेव फर्निचर शोरूम लमही नगरपालिका 5 कान्छी रोड लमही दाङ। ओम पोली क्लिनिक एन्ड प्याथ ल्याब लमही 5 बगैचा जाने बाटो लमही दाङ। हाम्रा सेवा सुविधाहरू 24 घन्टा डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी सेवा, 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी सेवा, फिजियोथेरापी सेवा। भिडियो एक्सरे, ईसीजी र नेबुलाइजेसन सेवा, प्याथोलोजी सेवामा दिशा पिसाब रगत खकार प्रिय सबैको अत्याधुनिक मिसिनबाट परीक्षण गरिन्छ। नोट, हामी कहाँ डेन्टल सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिनुको साथै हप्तामा वरिष्ठ डाक्टर विशेषज्ञद्वारा सेवा प्रदान गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओम पोली क्लिनिक एन्ड प्याथ ल्याब लमही 5 बगैचा जाने बाटो लमही दाङ। फोन नम्बर 0825409225, मोबाइल 9857741414। स्वर्गद्वारी सूर्यलक्ष्मी सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमही दाङ। गत 12 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँको सेवा सुविधामा समर्पित र तपाईँको मन जित्न सफल यस पसल अब नयाँ व्यवस्थापनका साथ तपाईँ माझ आइपुग्यो। हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कहाँ विभिन्न डिजाइनका सुन चाँदीका गरगहनाहरू खरिद गरिनुका साथै ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण पनि गरिन्छ। ग्राहकको इच्छा अनुसार 24 घन्टा दक्ष तथा अनुभवी कालीगढद्वारा सम्पूर्ण गरगहना तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर सूर्य बहादुर सुनार, स्वर्गद्वारी सूर्यलक्ष्मी सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमही दाङ। सम्पर्क नम्बर 0825404646। अब यो देउखुरी क्षेत्रमा कता जाने, के पढ्ने, खै के चिन्ता मान्छौ? देउखुरी क्षेत्रमै एकमात्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त बीबीएस कलेज स्वर्णिम देवखुरी कलेजलाई गोर्खा एजुकेशन ग्रुपले यसै वर्षदेखि सञ्चालन गर्दैछ नि, तिमी पनि त्यतै जाऊ। ए हो र, यो त खुसीको कुरा हो नि, उसो भए म गइहाल्छु। हाम्रा विशेषताहरू: पूर्णकालीन देश तथा विदेशमा अनुभव प्राप्त दक्ष शिक्षकहरू, बीबीए का प्रयोगहरू बीबीएस मा अभ्यास गराइने, हाई स्पिड इन्टरनेट सहितको अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब भएको, सिपमूलक तालिम र कार्यशाला गरिने, व्यवस्थित पुस्तकालय र ई पुस्तकालयको व्यवस्था भएको, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था भएको, अडियो भिजुअल कक्षाहरू, विद्यार्थीहरूको मासिक एवं त्रैमासिक आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको, पूर्वमा भालुबाङ, दक्षिणमा गढवा र पश्चिममा सतपरियासम्म यातायातको व्यवस्था भएको, फारम वितरण श्रावण 27 गतेदेखि, कक्षा सञ्चालन यही असोज 2 गतेदेखि। सम्पर्क गोर्खा एजुकेशन ग्रुप द्वारा सञ्चालित स्वर्णिम देवखुरी क्याम्पस लम्ही छ दाङ। फोन 082540370, 082540707, मोबाइल 98524428, 98578123192 र 98490883835। समयमै फारम भरी आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु होला। भन्नुहुन्छ त्यस्तै यो धार पानीको कुरा भन्नुहुन्छ, ए हाम्रै क्षेत्रमा एक नम्बर क्षेत्रमा अहिले धार पानीमा 3,11,00,000 रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यो सबभन्दा ठुलो त्रिशूल छ, त्यो महादेवको स्थान। यो रिहारको त्यस्तै महत्त्व छ। अब यो रिहारको विकास अब यी स्थानीय सरकारले पनि गुरु योजना बनाएर काम मास्टर प्लानबाट काम सुरु गर्न लागिरहेछ। अब प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार सबैले यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सबै सङ्घ संस्थाहरू यहाँहरू त झन् सरोकारवालाहरू यादव जातिका कतिपय विद्वान साथीहरू कलम चलाएर लेख्न पर्यो यसको महत्त्वको बारेमा। एकदम व्यापक प्रचार सारा मिडियाहरूमा आउनु पर्यो, इन्टरनेटमा आउनु पर्यो, संसारको कुनै ठाउँमा बसेर पनि मान्छेले यो रिहारको महत्त्वको बारेमा, यादव संस्कृतिको बारेमा बुझ्ने गरेर अब लेख्न पर्यो। म विद्वान हुँ, मैले जागिर खाँछु र मेरो घरको श्रीमती भन्दाहरूलाई हेर्दैन भन्ने कुराले यो योगदान हुन सक्दैन। अब सबैले योगदान गरिदियो यसमा, विद्वानहरूले लेखेर गर्ने, बुढापाकाहरूले आफ्नो अनुभव अरू पुस्ताहरूलाई पनि बताउने र ती कुराहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर प्रकाशन गर्ने काम पनि अब आजभोलिका पत्रकारहरूले पनि यो काम गर्नु पर्यो। यसलाई पुस्तकको रूपमा तयार गर्ने र त्यसलाई पनि फेरि नेटको माध्यमबाट सबैले हेर्न सक्ने गराउनु पर्यो, यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। हालाकि रिहारको बारेमा धेरै प्रचार छ, टाढा टाढासम्म रिहारको महात्म्य बुझेर आफ्ना दुःख सुखहरू यहाँ आएर मोचन हुन्छन् भन्ने विश्वास भारतको परपरसम्म पनि छ। पर्यटकहरू त्यसरी आइरहने गरेका छन्, विश्वभरिका पर्यटकहरू स्वर्गद्वारी भनेर आउँदा रिहार चाहिने पुग्नै पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ आउने ठाउँ गराउनु पर्यो। आएपछि यहाँ हेर्नको निम्ति बिहान आयो भने साँझसम्म यो हेर्ने विभिन्न कुराहरू हामीले यो एरियामा बनाउनुपर्छ। यो रिहार धाम क्षेत्र जो अघि पनि यहाँ कुरा भएको छ, यसको एरियाको बारेमा यहाँ सबै ठाउँमा कुनै न कुनै महत्त्वका कुराहरू राखेर यहाँ सबै ठाउँमा हेर्ने, यहाँ बासा बस्ने, यहाँ खर्च गर्ने, सबैको चाहिने पेसा व्यवसाय रोजगारी सबैले चाहिने यहाँ अवसर पाउने स्थिति चाहिँ बनाएर यसको विकास गर्न सकिन्छ। मान्छेलाई के कुरा लाग्थ्यो भने वाम गठबन्धनको सरकार छ, अब कस्तो गर्ने हो, अब धर्ममा विश्वास नगर्ने, संस्कृति नै चाहिने नमान्ने, यस्तो किसिमको प्रचार पनि थियो नि। एउटा आशंका पनि थियो, एउटा विश्वास पनि जागृत भएको थियो, एउटा आशंका पनि भएको थियो। तर हेर्नुहोस्, संस्कृतिको सम्वर्धनको निम्ति त्यो एउटा मुलुकलाई समृद्ध गराउने एउटा हाम्रो समृद्ध संस्कृतिमा धनी छौँ भने आज हामीले त्यो संस्कृतिलाई हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने हामीलाई समृद्धि हुन ठुलो टेवा पुग्छ। पर्यटकहरू आउँछन्, आज हाम्रा भाइ बहिनीहरू अरू देशहरूमा गएर रेमिट्यान्स अहिले हाम्रो प्रमुख आम्दानी बनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यही संस्कृतिको विकास गरेर यहाँका धार्मिक पर्यटकहरूबाट हामीले धेरै यो मुलुकलाई धनी बनाउन सक्छौँ, सबैका पेसा व्यवसाय आधुनिक हुन सक्छन्। त्यसो भावनाले यो चिजमा मुलुक धनी बनाउनको निम्ति संस्कृतिको विकास आवश्यक छ भन्ने बुझ्ने यही वाम गठबन्धनको सरकार, नेकपाको सरकार संस्कृतिको विकासको निम्ति सबै जात जातिको अधिकार संविधानमा लेखेर मात्रै हुन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा लगानी गरेका
मान्छेहरू कतिपयले हाँसे, नबुझ्नेहरूले धार्मिक क्षेत्रमा कसरी बजेट छुट्याएको यो कम्युनिस्ट सरकारले पनि पठाउस् न, यो कुरा होइन, एउटा आस्थाको कुरा हो। जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ, चाहे त्यो जुन धर्मको होस्, चाहे त्यो जुन जातिको होस्, चाहे त्यो जुन संस्कृतिको होस्। एउटो संस्कृति आफ्नो संस्कृति अर्को भिन्न संस्कृतिलाई सम्मान गर्न नसक्ने हो भने त्यो साँचो जनप्रतिनिधि नै हुन सक्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, समुदायहरूले के भनिरहेछन्, के इच्छा गरिरहेछन् त्यो गर्ने र त्यसलाई संसारभरि चिनाउने, चिनाउने पनि हो। हरेक ठाउँमा परिचय भन्दाखेरि बाबुको नाम लेखिन्छ, आमाको नाम लेखिन्छ, हरेक छोराछोरीले म फलनाको छोरा हुँ भन्छ। त्यस्तै यो ठाउँ चिनाउनको निम्ति जे जेले चिनिन्छ चिनाउनु पऱ्यो। हाम्रा राम्रा राम्रा कुराहरू छन्, अब यहीँ हेर्नुहोस्, थारू संस्कृति हेर्नको निम्ति बर्दियाको ठाकुरद्वारामा गएर होमस्टेमा बस्छन् पर्यटकहरू, यहाँ थारू नाच देखाउनको निम्ति आज पालो पुगेन, तिनवटाभन्दा धेरै एउटा टोलीले देखाउँदैन, कति रातभरि नाचिराख्ने, सुत्नु पर्दैन, अनि त्यो पर्यटक अर्को रात बस्छ। त्यस्तै यो अवधि संस्कृति उद्गम स्थल, यसको बारेमा हामीले धेरै महत्त्व हामीले आफै बताउने हो। हामीले नचिनायो भने, मेरो बाबु पागल छ भन्दै कोही छोरो हिँड्यो भने अब त्यो त्यसको बाबुलाई कसरी सम्मान गर्छ? यसको महत्त्व हामीले आफै पनि बताउनुपर्छ र सबैजना हामी मिल्नुपर्छ। सरोकारवालाहरू त झन् अहिले जस्तो अघि छलफल पनि भयो, के गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो, अब मेयर साहबले यहाँ कुराकानी पनि राख्नुभएको छ, अलिकति समन्वयको कुरा, सरोकारवालाहरू सबैले समन्वय राख्नुपर्छ। राधाकृष्णका भक्तजनहरू रिहारसँग सरोकार राख्ने रिहार धार्मिक क्षेत्र समिति छ, त्यति भइ धेरै पहिलेदेखि काम गर्दैछ। यो यत्तिको बनाउनु पनि धेरै साथीहरूले यहाँ मिहिनेत गर्नुभएको छ, हामीले हेरिरहेछौँ नि, हामीलाई थाहा छ नि। ती सबै साथीहरू सबैलाई उत्साहित गर्ने खुसी लाग्छ नि त, यस्तो थियो यस्तो भयो भन्ने हुन्छ। त्यसो भए यहाँ धेरै सरोकार राख्ने हामी सबै यो रिहारको विकासको निम्ति उत्साहित हुनुपर्छ। सबैले यहाँ के कस्तो गर्ने भन्ने सल्लाह मनमा नै राखेर मलाई सोधेनन्, सल्लाह नदिने कुरा गर्नुहुन्छ। यसलाई यस्तो बनाउँदा राम्रो होला, जसले जहाँ जहाँ देखिया छ त्यो चिज बताउने, जसले जे जे सुन्या छ कथा पुराणमा जस्तो लेखेको छ त्यस्तै किसिमको भयो भने कथा पुराण पढेका मान्छेहरूले साँच्चै हो त्यो हेर्छु भन्छन्। यो पत्थरको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, यो पत्थर हेर्न यो कति महत्त्वको होला, यी सबै कुराहरू हामीले यो सबै प्रचारमा लैजानै पर्छ। जसले बोल्छ त्यसको पिठो बिग्छ, जसले बोल्दैन त्यसको चामल बिग्दैन, उखानै छैन। त्यस कारणले हामीले हाम्रो ठाउँको हाम्रो महत्त्वको बारेमा हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। धेरै कुरा वेद कुरा हाम्रा संस्कृति पुराणहरूले पनि यो प्रचार गरेका छन्, लेख्या छन् यो कुराहरू, कसको कहाँ के पतन भयो, कसको कहाँ के पतन भयो भन्ने कुराहरू लेख्या छन् यस्ता ठाउँहरूको। मैले वहाँ गुजरातमा गएर त्यो के अरे स्वामीनारायणको मन्दिरमा त्यहाँ अक्षयधाम भन्छ, त्यहाँ मैले चाहिँ हेरेँ, त्यहाँ उसमा चाहिँ लेखेर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको छ, नेपालके दूरदराजमे दूरदराजके जङ्गलमे घनघोर जङ्गलमे त्यहाँ मुक्तिनाथ है भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट कसरी, त्यो त्यतिखेर रेल चलेन बस चलेन तर त्यहाँ मुक्तिनाथको कुरा नेपालको घनघोर जङ्गलमा छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेख्नु, म भावुक भएर एकछिन उभिएर पढेँ। कहाँ कहाँसम्म मान्छेलाई डोर्याउँछ, हामी त्यहाँ जाँदा पनि यहाँ नेपालका धार्मिक स्थलको बारेमा त्यहाँ कुराहरू लेखिया छ। त्यस कारणले हामी संस्कृतिका धनी छौँ, यसमा सबै समुदाय सम्प्रदायहरू केही न केही उसबाट जोडिएका छौँ। म बच्चैदेखि यहाँ आएको र यहाँको धार्मिक कुराहरूमा म सामेल भएको, मेलामा सामेल भएको, बच्चामा एउटा चाहिँ नि खानेपिने हिसाबले रमाइलो हेर्ने हिसाबले आएको, पछि पछि एउटा महोत्सवको रूपमा जब मनाउन थाल्यो महोत्सवमा सहभागी हुन आएको गर्दै मेरै पनि अनुभव छन्। यस्ता बुढापाकाहरूका कति धेरै अनुभवहरू छन्, यसलाई सबै समेटेर गरौँ। अब अहिले यो परिवर्तनको हामीले नेपालको विकास यो समृद्धि त यो बाटोमा हामी हिँडेका छौँ, समृद्धि हामी प्राप्त गर्छौँ, तर हाम्रो ठाउँको यो देउखुरीको यो एक नम्बर क्षेत्रको यो रिहारको हामीले समृद्धि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको निम्ति सबै हामीमा भर पर्छ, हाम्रो जवाबदेहीमा भर पर्छ। मैले कति धार्मिक स्थलहरूमा गएँ, त्यहाँका स्वयंसेवकहरू त्यहाँका भक्तजनहरू कस्तो ढङ्गले भन्दाखेरि अत्यन्त सहयोगी सहयोगी र अत्यन्त माया प्रेमसँग सद्भावसँग त्यहाँ सेवा गरिरहेछन्, त्यहाँ सेवा गर्न एकदम लालायित छन्, त्यहाँ समय दिनको निम्ति लालायित छन्। त्यस कारणले हामी सबैले त्यहाँ समय पनि दिनुपर्छ, सबैले सरोकार पनि राख्नुपर्छ। केही आफ्ना भनाइहरू मिठो मुखले मिठो मनले भने हुन्छ,
त्यो महसुस पनि गर्नेले गर्नुपर्छ। फेरि मलाई लागेको छ मैले यही गर्छु भनेर जोर जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि त्यो चिज राम्रो होइन। मैले भने जस्तो भएन त्यसमा उनीहरूले हेर्दैन भन्ने कुरा पनि भएन। यो एउटा आस्थाको कुरा हो। फेरि त्यस भावनाले अब लामो कुरा नगरौँ, समय छैन। आज कृष्ण जन्माष्टमी, अब आज भोलि ह्याप्पी बर्थडे भन्छन्। हामी ह्याप्पी बर्थडे कृष्णजीको कृष्णाष्टमी मनाइरहेका छौँ। 5 बजे पछाडि हाम्रो अष्टमी सप्तमी धेरै छ भनिरहेछ पात्रोमा पनि। अब अष्टमी 5 बजे पछि मैले बुझेअनुसार अष्टमी लाग्दैछ। आज सप्तमी अष्टमी दुवै भनिरहेछ। त्यसो हुनाले एकदम अब जन्म त अझ रातमा भएको भन्ने हाम्रो भनाइ पनि छ। आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा रिहार धामको विकास र यसलाई महत्त्वको बनाउनको निम्ति जो जति सबै आज यादव समाज सेवा सङ्घले यही मुहूर्तमा यही समयमा यसरी कार्यक्रम राखेर हामीले यो जुन शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र एउटा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको राधाकृष्ण मन्दिरको अब यसलाई व्यवस्थित रूपमा अब यसलाई सम्पन्न गर्ने हिसाबले यसको शिलान्यासको काम त होला नै। हामीले यो निर्माण स्थल भनेर एउटा साङ्केतिक काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यसमा कोही हट कसैको अस्तित्वका निम्ति हामी झगड्नुपर्ने केही जरुरी छैन। त्यस कारणले यसमा सबै चिजको विकास यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई एकजना भूगोलविदले भन्नुभएको थियो रिहारको पानी नुनिलो हुन्छ, तातो हुन्छ, यो कसरी हुन्छ? त्यहाँको त्यो ढुङ्गामा त्यहाँको ढुङ्गाको अर्थ हुनसक्छ। अहिले नुनिलोपन पनि कम हुँदैछ, तातोपन पनि कम हुँदैछ, अघि पनि कुरा आयो। त्यो ढुङ्गा हामीले झिकेर प्लास्टर गर्छौँ अनि त्यो ढुङ्गा त्यहाँ हुँदैन, तातो र नुनिलो हुने कुरा हुँदैन। त्यस मानेमा हुनसक्छ, त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर एउटा विज्ञले मसित अलिकति छलफलमा भन्नुभएको थियो। मैले यहाँको कुरा उठाएको थिएँ। त्यसो हुनाले गर्ने उपाय के हुन्छ भने तपाईँहरू तलाउ खन्नुहुन्छ, तलाउमा त्यहाँको ढुङ्गा नफाल्नुहोस्। त्यहाँको ढुङ्गा पखालेर ठिक्क पारेर अलग्गै राख्नुहोस् अनि ती ढुङ्गा तलबाट बिछाउनुहोस्। तब बल्ल त्यो पानी रिहारको पानी भन्छ। ढुङ्गाले पानीलाई यस्तो गराएको छ भन्ने उहाँको अब नहेरेर मेरो यहाँको कुरा सुन्नु। यस्तो थियो अहिले यो नुनिलो पन र तातो कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा कहाँ गल्ती कमजोरी भयो है ओका आप लोग गल्ती कमजोरी कहाँ मनन के जोजे के काम रुक गए हम कार्यक्रम संचालक नरेंद्र यादव भगवान की धन्यवाद संचालक यादव समाज सेवा संघ का महासचिव नरेंद्र यादव जी। ये आज के श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के पावन अवसर में यहाँ हमारे देवखरी वासी लमही नगर पालिका राती गांव पालिका गढ़वा गांव पालिका राजपुर गांव पालिका का यहाँ दादा भैया लोग और नेतागण लोग यहाँ बुलाए गए। हम लोग आज ये बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्र परिसर के भीतर यादव समाज सेवा संघ द्वारा आयोजित राधा कृष्ण मंदिर बनावे के तो उद्देश्य लेके उपस्थित हुआ आज हमार ये 5 नंबर प्रदेश सभा के मान्य सभासद यानी ये कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रेवती रमन शर्मा जो लमही नगर पालिका के नगर प्रमुख जो और गढ़वा गांव पालिका का अध्यक्ष तथा यादव समाज सेवा संघ के सक्रिय सदस्य शाहजराम यादव जी
राजपुर गाउँपालिका का उपाध्यक्ष श्री धनपति यादव जी, बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्र के समिति के अध्यक्ष श्री मेघ सिंह पछाई जी, यादव समाज सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष और यादव समाज सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव लगायत पूर्व यादव समाज सेवा संघ के पदाधिकारी लोग और ये कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा कृष्ण मंदिर की बाउंड्री के शिलान्यास कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होल। आज ये बरखा बूंदी में यहाँ आवल हमार यादव समुदाय के और अन्य समुदाय के व्यक्तित्व जो है लोग आप हमें लागत है कि आप सबका राधा कृष्ण मंदिर बने कह के एक आत्मा से भी आप सब चाहा जात है। नहीं तो ये समय में यहाँ इतना समय आप सब न दिया जात, यही से आप सबके मन में राधा कृष्ण मंदिर बने और उत्साह आप सबके भीतर है कह के हमें महसूस हुआ। और ये मंदिर बनावे खातिर प्रदेश सभासद मान्य जी कहीं हमारे लोग पावेगा, आज हमारे लोगों का आधार कहल के प्रदेश सभासद जो लोग नगर पालिका प्रमुख लोग गांव पालिका अध्यक्ष लोग वड़ा के अध्यक्ष लोग और स्थानीय स्तर में यहाँ बैठल जितने साथी लोग हैं सबके साथ सहयोग जब पावा जाए तभी कार्य हमारे लोग संपन्न करा जाए। एक ठो राधा कृष्ण यादव समाज सेवा संघ द्वारा गठित राधा कृष्ण मंदिर उपभोक्ता समिति खाली अगर चाहिए तो ये कार्य संपन्न ने सभासद जी नगर प्रमुख लमही नगर प्रमुख जी और गढ़वा गांव पालिका अध्यक्ष राजपुर गांव पालिका अध्यक्ष राप्ती गांव पालिका अध्यक्ष और वोड़ा अध्यक्ष लोग और आप सब अगर सहयोग करा जाए तो हमारे लोग सोचल जैसन मंदिर यहाँ स्थापना हुई। ऐतिहासिक मंदिर के जो कल्पना करा गया है वो ऐतिहासिक मंदिर एक ठो संपन्न हुई हमें आशा और विश्वास है। और हर एक निकाय से हमारे लोगों के यहाँ प्रदेश से केंद्र सरकार से नगर पालिका गाँव पालिका से हमारे लोगों के यहाँ सहयोग करिए कहकर हम आशा किया हन। और आज ये कार्यक्रम में यहाँ जहाँ कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा जने रहते हैं उठना ज़्यादा मेर बात भी होता है एक आपस में है ना, हर एक किस्म के बात होते है। तो ये महा आप सबसे हमारा अनुरोध का है कि कोई भावना कुछ है तो कोई भावना कुछ है लेकिन राधा कृष्ण मंदिर बने के चाहिए कहकर भावना सबके है। ये वजह से बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्र के परिसर भीतर हमारे लोगों का जोन बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्र के संरक्षक के रूप में रहल और लम्हे नगर पालिका के क्षेत्र भीतर रहल ये जोन क्षेत्र है धार्मिक रिहार एकरे भीतर हमारे लोगों का जोन क्षेत्रफल दिए के हमारे लोगों का अवसर देहन धार्मिक विकास क्षेत्र के रिहार धाम धार्मिक विकास क्षेत्र का हम हृदय से धन्यवाद दिया चाहिए थे। जो जमीन हमारे लोगों का राधा कृष्ण मंदिर बनावे के लिए उपलब्ध करें उसके लिए हम ये बगार बाबा धार्मिक विकास क्षेत्र और ये वड़ा नंबर 9 नगर लम्हे नगर पालिका वड़ा नंबर 9 के वड़ा अध्यक्ष लगाए रिहार में बसोबास करे वाले स्थानीय लोगों के हम हृदय से धन्यवाद दिया चाहिए थे। और आगामी दिन में स्थानीय वासी लोग के
रिहार में रहल सुरक्षा कर्मी लोगन के और अन्य हमरे लोगन के स्थानीय सरकार से लेके और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार तक लोग का हमरे लोगन के सहयोग हुई के आशा रखे हन। एकरे लिए हमरे लोगन के बीच में माननीय सभासद जी भी कुछ बात रख सके और हमरे नगर पालिका के लम्हे नगर पालिका के प्रमुख जी भी हमरे लोगन के नीचे को सरसल्ला हो चुका है आगामी दिन में कैसे जावा जाए एक मास्टर प्लान बन चुका है कहीं नहीं वही विषय में यहाँ लम्हे नगर पालिका और यादव समाज सेवा संघ गढ़वा गांव पालिका अब सब कोई नेतृत्वपंथी लोग बैठ कर एक सरसल्लाह कह के और राधा कृष्ण मंदिर बनावे के लिए वह के मास्टर प्लान भीतर वो का एरिया जोन है संभव एरिया जोन है जोन में वो बने के संभावना है उतना एरिया हमारे लोग उचित ठाव में व्यवस्थापन करी है कई के आशा भी करते और ये आज के कार्यक्रम मैं यहाँ अब समय ज़्यादा ना है यही से सब लोगों से हमार यहाँ उपस्थित भाई इससे हम सबका धन्यवाद देते और नाश्ता पानी का भी व्यवस्था है तो नाश्ता पानी कहीं कहीं सब लोग अपने अपने घर का प्रस्थान हो जाए कहते ये और आज के जन्माष्टमी के पावन अवसर में यहाँ अपने अपने घरे जाए श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी मनावा जाए एक करते हम सबका धन्यवाद देते और ये कार्यक्रम के यहाँ आज ही समापन भवल जानकारी करोते विदा हुई तो हस्त नमस्कार।